Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ji ne bataye Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ji ne bataye je maha maha वैष्णवों का सामने साधु संतों का सामने हरि कथा सुनने का बाद भी फल नहीं हो सकता अगर अपराध है तो। यदि अगर हृदय में अपराध है तो बड़े बड़े संत महात्मा का मुखारविंद से अप्राकृत भगवत वाणी सुनने का बाद भी मंगल का रास्ता खुलता नहीं। अपराध बड़ा चीज है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बोलते थे जे हरि कथा का डायनामाइट जो है वो चार्ज करो हर वक्त। हरि कथा का हर वक्त करते चलो। हृदय में अगर पत्थर लेप है, वज्रलेप तो सबसे बड़ा, वज्रलेप पत्थर लेप, उसके बाद कर्दम लेप आदि सब है, अर्थात हृदय आच्छादित हो गया। हृदय जब आच्छादित हो जाता है, अचेतन अवस्था में आ जाता है, उस समय परम चेतन जगत का जो बातें हैं वो असर नहीं कर पाता। परम चेतनमय वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु परम चेतनमय वस्तु का साथ हमारा जब संयोग हो जाए भजन करते करते, तभी सुविधा हो। अचैतन्य विदम विश्वम यदि चैतन्य विश्वरम न विदुः सर्वशास्त्रज्ञ ओपि ही ब्रह्मन्ति ते जनाः। अचैतन्य विदम विश्वम यदि चैतन्य में स्वरम न विद हो, पूरा जगत अचेतन है, मतलब कहां अचेतन है, चेतन है तो सब। शास्त्रकारों ने बोले नहीं, इसको चेतन नहीं बोला जाता, इसको चेतन नहीं बोला जाता। चेतना का जो उन्मेष है, जितना उन्मेष होना चाहिए उतना इनमें उन्मेष अगर ना होए तब तब कुछ नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में ये बताया अचैतन्य विदम विश्वम यदि चैतन्य विश्वरम न विदुः सर्वशास्त्र ओपि ही ब्रह्मन्ति ते जनाः। सारे तमाम शास्त्रों मुखस्थ है फिर भी कुछ सुविधा नहीं होगा। यदि अगर परम चेतन वस्तु चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाया, अनुभव नहीं हुआ, श्रीमद भागवत जी महापुराण में बार बार वैष्णव जी तुम्हार सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कई बार कहें कि राजन हृदयस्थ कुरु केशवम, हृदयस्थ कुरु केशवम, हृदय में केशव को बैठा लो, बाकी खाली करो, करके हृदय में केशव को बैठा लो। इसी बात चैतन्य महाप्रभु का बारे में भी एक ही है, जो कि कृष्ण भगवान है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसलिए विनती कर रहे हैं शास्त्रकारों ने विचार करके, जो चैतन्य चंद चरणे कुरुता अनुराग, अनुराग अगर वृद्धि हो जाए तो चैतन्य चरण में अनुराग वृद्धि होए तो फायदा है। सांख्य योग आदि तत्व, सृष्टि का तत्व आदि विषय में थोड़ा चर्चा हो पाया, उसमें आप विचार करके देखना, जितना सारे गंभीर ये सब तत्व है, ये तत्व धीरे धीरे भजन करते करते तत्व का साथ आपका दर्शन हो जाए, साक्षात्कार। कोई आदमी बोले तत्व का साथ कोई साक्षात्कार होता है, तत्व देखा जाता है, बोला हाँ तत्व देखा जाता है, आप देख नहीं पाते हो। तत्वों का साथ साक्षात्कार होता है, तत्वों का साथ डायरेक्ट साक्षात्कार होता है,
तत्व जो है स्वरूप पकड़कर हमारे सामने उदित होता है, देखो हमारा ये स्वरूप है। जब तक तत्व का दर्शन ना हो जाए, साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक कोई सुविधा नहीं होगी। सांख्य तत्व का यही मूल है। ये दुनिया में जितना सारी चीज है, सृष्टि तत्व में जितना सारे चीज है, उसमें जीवात्मा जो है ये तो सृष्टि होने वाला चीज नहीं। क्या जीवात्मा प्रोडक्शन होता है? फॉरेन डिवोटीज जो है हमारे को क्वेश्चन करता है, महाराज जीवात्मा का प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन कैसे होता है? ये तो नित्य है, जीव नित्य और ठाकुर जी भी नित्य, भगवान नित्य और जीव इन्फिनिटी और असंख्य है, अनंत जीव, लेकिन सब नित्य है, इसमें कोई प्रोडक्शन वाला बात नहीं। और सुबह में चर्चा किया, सारे जीवों का अंदर दो पुरुष रहता है, एक तो क्षुद्र क्षुद्र अनुचैतन्य जो है जीवात्मा, और एक परमात्मा, और भक्तृ अभिमान डुअरशिप, हम भोक्ता है। ये विचार से छुट्टी जब तक ना मिले तब तक बंधन दशा जाने वाला नहीं। जितना सारे तत्व हम बताए, काल क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, अदृष्ट क्या है, और हमारा पांच कर्मेंद्रियों पांच ज्ञानेन्द्रियों क्या है, पंचभूत क्या है, कैसे आया, पंच तन्मात्र क्या है, इसको इसको ये सब जो चीज मिलकर कैसे प्रपंच रचना हुआ, उसके बाद अंतकरण का सूक्ष्म अंतकरण का जो गठन है, अर्थात सूक्ष्म देहों का जो गठन है। देहो दो किस्म का है, एक है ग्रॉस बॉडी, एक मोटा शरीर, ये जो शरीर है मोटा शरीर ग्रॉस बॉडी, और एक है सटल बॉडी अंग्रेजी में बोलता है, और इसका ही ये है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर। कारण शरीर बोलो तो और अच्छा है, सूक्ष्म शरीर भी अच्छा है। कारण शरीर ये नाम इसलिए दिया गया कि यही तुम्हारा दूसरे जन्म के लिए कारण बन जाए, दूसरे जन्म जोनी में तुमको भेजने का जो विषय है ये कारण बन जाए, इसलिए कारण शरीर बोला दूसरे जन्म के लिए। और आपको दूसरे जन्म में भेज दे ये शरीर छोड़ने का बाद, उसके बाद फिर स्थूलो जगत में आकर और फिर ये सब विषय को भोगते रहना। ब्रह्मा तक जो है, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक किसी भी व्यवस्था मंगलदायक नहीं है। आप अगर बोलोगे महाराज हम ब्रह्मलोक में जाएंगे, किसी भी व्यवस्था ब्रह्मा से लेकर चेटी तक किसी भी अवस्था में जाने का कोशिश मत करो। बहुत सारे योगी हम बताया था आपको, क्रम मुक्ति का जो विकास है उसमें धीरे धीरे योगी लोग कभी कभी ऊपर लोक को जाते हैं, अच्छा नहीं लगा, फिर उसका ऊपर लोक को गए, फिर उसका ऊपर लोक को गए, ऐसे ऊपर ऊपर लोक को जाते जाते अंतिम में ब्रह्म लोक में गए, फिर उधर से भजन करते हुए आगे चले। और हमारा विचार तो ये, शास्त्रों का विचार, सूक्ष्म विचार, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक कोई भी व्यवस्था अच्छा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं, कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं, टेम्पोरारी सब। जितना सारे ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सारे व्यवस्था टेम्पोरारी है, परमानेंट है नहीं। हो सके कि टाइम का थोड़ा हेर फेर है, मनुष्य लोग में आयु 100 साल है, देवलोग में थोड़ा जो एक बरस हमारा है उसका एक दिन, ऐसा करके जाए, लेकिन सुविधा नहीं होगा, फायदा कुछ नहीं। आप ब्रह्म भुवना लोका भुवन पुनरावर्तन अर्जुन। और संस्कार के अनुसार, संस्कार के अनुसार घूमते घूमते अगर सौभाग्य हुआ, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये बात को ध्यान देना, इधर बताया ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते अहो भाग्य
एक्सीलेंट भाग्य अगर है तो उसका साथ संत महात्मा का जो सिद्ध गुरु वैष्णव के साथ दर्शन हो जाता है, कृपा मिलता है। ब्रह्मांडो भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसाद के द्वारा ही भक्ति लता बीज मिलता है। काल भी सुने होंगे आप, आज भी सुबह में देवाहुति मां कपिल जी महाराज अपना पुत्र है, लेकिन वो पुत्र को भी गुरु मान के बैठा। गुरु माना तभी ना प्रश्न किया। गुरु मान के सामने सर झुकाया, दंडवत किया और भूमन, हे भूमा पुरुष हमको बचाओ, आवे ये अवस्था है हमारा। जड़ विषय पर ध्यान देते देते, इतना भोग करते करते निर्विन्या नितरम भूमान असत इंद्रियो तर्शनात्। असत इंद्रियो क्या है? बद्ध अवस्था में जितना सारे इंद्रियो सब असत इंद्रियो। सत इंद्रियो तब है जिस इंद्रियों के द्वारा आंखों के द्वारा भगवान का रूप दर्शन, कानों के द्वारा भगवान के कथाएं दर्शन, कथा सुनना, आ सुनना मतलब ही दर्शन, अंतर में दर्शन होता है। फिर जवान के द्वारा ठाकुर जी का कीर्तन करना, जितना सारे इंद्रियां हैं सारे ठाकुर जी का सेवा में लग जाए तो इसी का नाम है सत इंद्रिय। जितना सारे महाजन हैं, सब महाजन का जिंदगी देखो, सारे महाजनों का जितना सारे जिंदगी देखो, सारे ऐसा ही निरंतर कृष्ण कथा रस का पान करते रहते हैं, निरंतर कोई हर वक्त। अम्बरीश महाराज के बारे में भी 2 दिन आगे पहला था, सौ वही मनो कृष्ण पदार विंद और वाचंग से वैकुंठ गुणान वर्णने करो तत् मंदिर मर्जना दिशु सुतिम चक चकार चित सत कथो दये। ऐसा कहते सारे इंद्रियों को ठाकुर जी का सेवा में लगाए। सप्तदीप अधिपति अम्बरीश महाराज को साधारण नहीं, सारा पृथ्वी का राजा है, फिर भी इतना भक्ति है जिसका सामने दुर्वासा जैसा महा मुनि है उसको भी झुकना पड़ा। भक्ति ऐसा चीज है, जोगी ज्ञानी कुछ भी हो लेकिन भक्तों के ऊपर कुछ नहीं है। अभी कपिल जी महाराज सुंदर तत्व के बारे में बताए, बहुत सुंदर। ये सब तत्व कपिल जी महाराज देवावती माँ को बताए, और ये तो सांख्य योग है ही है, लेकिन सांख्य योग का अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो है ये बड़ा, इसमें भक्ति का ही विचार आता है, शुद्ध भक्ति का। और फिर उसके बाद कैसे एक जोनी से दूसरे जोनी पे जाता है जीवात्मा, सब धीरे धीरे, बड़ा मुश्किल, ये विचार आप देखें कैसे जन्म होता है, जन्म होने के बाद फिर ऐसा विचार करके आप देखें। अब देवाहुति मैया ये सांख्य तत्व उपदेश जो है देने के बाद देवाहुति मैया पूरा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब देवाहुति मैया का ऐसा हालत है कोई अगर आए तो उसको तत्व ज्ञान दे सकते हैं, इसी का नाम तत्व ज्ञान को प्राप्ति करना है। तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के बाद किसी को दे नहीं सको, अपना प्रभाव के द्वारा किसी को प्रभावित नहीं कर सको तो फायदा नहीं। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने लखो हीरा विश्वा को कृपा की और कीपा ऐसा कि 3 दिन हरि कथा हरि नाम सुनते रहे, उसके बाद चरणों में गिरे हुए बताए, बोल हम तो अन्याय करने के लिए, अपराध करने के लिए हमको क्षमा करो। हरिदास ठाकुर हमको पता था पहले, इसीलिए मैं 3 दिन रुक
मैं इधर 3 दिन रुक गया इसलिए कि आपको बचाने के लिए, नहीं तो कोई रुकने का कोई इच्छा ही नहीं था। हम इधर 3 दिन रुका इसलिए कि आपको उद्धार करें। और ठीक उसके बाद हरिदास ठाकुर उनको हरिनाम दिए, हरिनाम दीक्षा। देखो क्या बात है, गिरा हुआ जो इंसान है इतना पतित आदमी को उद्धार करते हुए अगर तुम खुद पतित हो जाओ तो तू पतित पावन कैसे हो। कोई अगर बोले गुरुजी ये सब लोगों को कृपा करने गया, गुरुजी का तबीयत खराब हो गया, पतन हो गया, तबीयत खराब हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। पतित पावन उसी को बोला जाता है जो पतितों को उद्धार करे और उसमें निजा शक्ति का अपना शक्ति का कोई अभाव नहीं होता। गुरु वैष्णव तो वो है जिसका कोई शक्ति का कोई अभाव नहीं है, शक्ति का कोई अभाव नहीं है। तमाम बलदेव जी महाराज का साथ जब तक शक्कर तक चलो तो ठीक है, और उसके बाद मधुर में जाओ तो राधा रानी मूल। तो ये गुरु तत्व का साथ, मूल गुरु तत्व का साथ, आकर गुरु तत्व का साथ हमारा गुरुजी अभिन्न है ये सोचना है। नहीं तो गुरु तत्व क्या सीखा, गुरु तत्व क्या समझा। ये गुरु तत्व है, ये गुरु तत्व मूल गुरु तत्व जो है, मूल आकर गुरु तत्व यही हमारा सामने गुरु बन के आए। और पतित को उद्धार करने गए तो खुद पतित हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं, गलत सिद्धांत है। उसके बाद विचार आता है जो हरिदास ठाकुर, जो हरिदास ठाकुर वो जो पतिता लख हीरा का संग नहीं की, और बद्धजीव ऐसा दुर्बल है, किस लिए बात को उठाया, भले इसलिए उठाया बद्धजीव हर हालत में माया का वश, माया का इन्फ्लुएंस में गिरने वाला है। बद्धजीव हर हालत में कभी भी माया पे गिर जाए, लेकिन जो महापुरुष लोग है, वैष्णव लोग है, गुरु वैष्णव, वो लोगों के चुना ही होता। हरिदास ठाकुर लख हीरा का संग नहीं किया, 3 रात तक बदमाशी करते रहे लख हीरा, किंतु हरिदास ठाकुर नाम करते रहे, देखते रहे, कोई भी देखे तो उसका तुरंत पतन हो जाए, एक दृश्य देखने का, ऐसा बदमाशी की। हरिदास ठाकुर नाम करते रहे, प्रपंच का कोई विषय हरिदास ठाकुर को स्पर्श नहीं कर पाता। और उसके बाद क्या हुआ, हरिदास ठाकुर अपना जो ऊंचा संघ है, वो ऊंचा संघ जो है वो वेश्या को देते देते उसको उठाया, अपना जो ऊंचा संघ है, ऊंचा संघ देके उसको उठाया। गुरु वैष्णव अगर पतित आदमी को उठाए तो कैसे उठाए, ऐसे ही तो उठाए, अपना ऊंचा जो संघ है, अपना पवित्र संघ है, इस संघ को देते हैं, संघ देते हुए हरि कथा का साथ बाकी मीठा व्यवहार और थोड़ा प्रसाद लो ऐसा करके देते हैं, ऐसा करके ददाति प्रतिगृहणाति पृच्छति गुज्जमाख्याति इत्यादि 6 विधा प्रीति संगम के द्वारा बद्ध जीवों को उठाते हैं, बद्ध अवस्था से ऊपर उठाते हैं और अपना ऊंचा संग देके उठाते हैं, नहीं तो वो पतित आदमी को उठाना संभव नहीं। यह हम देखें जे देवावती माँ अभी तत्व ज्ञान प्राप्त हुए एकदम मजबूत, और कपिल जी महाराज देवावती स्तुति करते के बहुत सारे स्तुति है, हम दो एक बताएंगे। जैसे आपको आपका हृदय में ये पूरा विश्वास आ जाए, जो ये जो साधु संग है, तत्व ज्ञान ये सब सुनना कितना ऊंचा विचार है। अब इधर जो है अभी स्तुति शुरू किया, जन्नाम धेय सवनान कीर्तना यत प्रहवनाद यत स्मरणाद ओपि कचित सद ओपि सद सवना यु कल्पते
कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना जन्नाम धेयो श्रवणान कीर्तना जत प्रवनाद जत स्मरणादपि कचित सदयोपि सद्दो सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना। हे भगवान, यदि कुत्ता का मांस भोगी भोजी आदमी उसका भी परिवर्तन हो जाए, जन्नाम धेय श्रवणानु कीर्तना, जिसका ध्यान जिसका नाम जन्नाम धेय श्रवणानु कीर्तना, जिसका नाम ध्यान कीर्तन श्रवण के द्वारा इतना प्रभाव गिरता है हृदय में, जो जब स्मरणार्थ जिसका शरण करो है भगवान, ये कुत्ता का मांस भोगी जो चंडाल है चांडाल, ये भी तुम्हारा नाम अगर ध्यान श्रवण कीर्तन करे किंबा तुमको अगर नमस्कार विधान करे अथवा तुमको शरण करे, तो वो व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है, शुचि तुरंत तो क्या हो जाता है, तत्क्षणात शुचि हो जाता है। नॉट दैट सो बजे सोम जाग का योग हो जाता है, जो योगो में बैठने का काबिल हो जाता है, ऐसा सदोपि सद्दो सवनायो कल्पते। और तुम्हारा अगर दर्शन हो गया तो कहना ही क्या, तुम्हारा अगर दर्शन हो गया ठाकुर तो इसमें कहना ही क्या, सद्दो जाग योगो करने का लायक बन जाता है, इतना पवित्र हो जाता है। किवा शूद्र किवा नशी है, किवा विप्र किवा नशी, शूद्र कहने न है, है? जे क्या किवा किवे भी है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जो कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है, कृष्ण तत्ववेत्ता जो है वही गुरु है। बस राय महाशय का सामने राय महाशय जी का राय रामानंद जो महाराज राय रामानंद जी का साथ महाप्रभु का जो चर्चा हुआ उसमें महाप्रभु ये बताए सिद्धांत, कोई भी हो वह अगर तत्वविद हो गया कृष्ण तत्वविद वही गुरु होता है, तत्वविद नहीं है तो गुरु कैसे। तो जन्नाम अधेय श्रवणान कीर्तनाद जत प्रवणाद जत स्मरणाद भी कचित स्वाद ओपी सद्द सवनाय कल्पते कुनः कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। भगवत दर्शन के द्वारा जो होगा उसमें कहने ही क्या। अहो वत सपचो अतो गोरियान, अहो वत सपचो अतो गोरियान जज्जीव भाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वतो सपचो अतो गोरियान, सपचो अतो गोरियान, बोलो ये सपच है चंडाल सपच जो है कुत्ता मांस खाने वाला, ये भी कितना ऊंचा है। जज्जु भाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम, जिसका जवान पे ठाकुर जी तुम्हारा नाम नित्य करता है, जिसका जवान पे आपका जो नाम है नित्य करता है वो कितना पवित्र है। अहो वतो सपचो अतो गरियान जज्जुहाग्र वर्तते नाम तो भ्याम, क्योंकि नाम ग्रहण के द्वारा ही बचते तेपुस तपस्ते युहु सुस्नुआर्या ब्रह्मनान ब्रह्मनान उचुर नाम गृणंति जेते है। भले तुम्हारा ठाकुर जी तुम्हारा नाम जो उच्चारण करता है जो जीवहार में, वो लोगों का ही वास्तव तपस्या होता है, वास्तव तपस्या उसी का, तपस्या उसी का होता है। हरि नाम लेना वो मामूली बात नहीं, किस लिए ऐसा बताया गया, बोले हरि नाम लेने का मतलब है वास्तव जो हरि नाम उदित हुए उसका साथ साथ भगवान का नाम, तो नाम का साथ साथ रूप
गुण लीला परिकर धाम सारे हो जाता प्रकट, विषय में कुछ ध्यान नहीं रहता। तो इसी को ही तो बोलता है तपस्या, तप के द्वारा क्या चाहते हो। ऐसा करके बड़ा भारी तप की और उसके बाद ये बिंदु सरोवर का तीर बैठे बैठे देवाहुति मैया तपस्या करते करते स्नान ध्यान उधर करते करते बस अपना शरीर को छोड़ दिए। इतना भजन किए, इतना भजन किए तो कपिल ओपी महायोगी भगवान पितुर आश्रमात मातरम समनुज्ञाप्य प्राग उदीचिन दिशम जजो है। कपिल जी महाराज साक्षात भगवान ही है, भगवान शंखजोग को स्थापन करने के लिए आए। पितुर आश्रमात पिता का जो आश्रम है वहां से मातरम समनुज्ञाप्य माता को बोल के क्या की, प्रथम तो उत्तर दिशा पे गए। उसके बाद हम लोगों पता है शास्त्र में है वो गंगा सागर जो संगम है वहां जाके ये जो सागर वंश है, सागर वंश जो है सागर राजा का, इसी में ये तो आया। पहले उत्तर दिशा, प्रथम तो उत्तर दिख गमन किया, इसलिए बोला समान किया प्राग, प्राग मतलब पहले प्राग उदिचिंग दिशम जजो, उसके बाद दूसरी जगह गया। और ये जो जगह है वो जगह जो बिंदु सरोवर का तीरे जो शंखजोग का तत्व विज्ञान का उपदेश भय, वो जगह माता जी भजन करते 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 अपना जो निर्मल तीर्थ जल बिंदु सरोवर का जो पानी है, बहुत सिद्ध महात्मा देवता लोग सिद्ध गंधर्व आके सूक्ष्म शरीर लेके उसी बिंदु सरोवर में नहाते हैं, स्नान मनाते हैं, आचमन का बहुत सुंदर उसमें कितकित हो जाते हैं। अब ये जो चतुर्थ स्कंद जो है, ये चतुर्थ स्कंद में पहले मनु का जो वंशधर उसका बारे में थोड़ा बहुत बताए। मनु का जो वंशधर है, मनु का वंशधर चतुर्थ चौथा स्कंद का शुरुआत हुआ, चौथा स्कंद का चौथा स्कंद में पहले ही मैत्री ऋषि वाचो मैत्री से कहते हैं मनस्तु सतरूपायम त्रिशः कन्याश्च जगिरे आकुतिर देवहुतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। पहले बता था तीन कन्या, इसमें एक कन्या का विषय जो है हमने बता चुके हैं इधर देवाहुति आकुतिर देवाहुतिश्च हैं प्रसूति ये सब है। अब मनु शत्रुपा नाम ने भार्या में तीन कन्या उत्पादन भय, उसमें आकुति प्रसूति देवाहुति आकुति देवाहुति प्रसूति और दो पुत्र भी भय आप जानते होंगे, उसका प्रियव्रत प्रियव्रत और उत्तानपात, प्रियव्रत और उत्तानपात का ये प्रसंग आएगा। पहले पहले आएगा उत्तानपात, जब भी उत्तानपात छोटा भाई है और प्रियव्रत बड़ा है, लेकिन वो है कि पिताजी को बताया हमको नहीं ये सब करना है, संसार पंसार नहीं करेंगे, जंगल में चले गए। इसीलिए पहले इसका बाद आएगा चर्चा आएगा, पहले ये तुम्हारा ये जो है उत्तानपाद जी का चर्चा पहले आए। उसके बाद पांचवा स्कंदों में कैसे ब्रह्मा जी अपना पौत्र जो पोता है ना उसको कैसे ले आया वापस, इस गंभीर विषय है चर्चा। अभी प्रश्न है जो मनु शत्रुपा सन दो भात अच्छा ये जो है मनुष्य पत्नी शत्रुपा का सन्मति लेकर भातृमति ज्येष्ठ कन्या आकुति को पुत्री का धर्म अवलंबन पूर्वक प्रजापति रुचि का हस्त्रे प्रजापति रुचि का हस्त में समर्पण कर दिए। और एक जो है एक का तो बात आप सुने हैं करदम ऋषि को दान कर दी, आ दूसरा जो है दूसरा जो दूसरे एक लड़की है वो प्रजापति जो है दक्ष है उसको समर्पण किया, प्रजापति दक्षों के समर्पण किया।
और ये सब इसके बाद ये थोड़ा खानदान में थोड़ा चर्चा हुआ, कैसे कैसे सब आया प्रसंगो, कैसे इसका वंशधर विस्तृत हुआ। उसके बाद बताते बताते जब दक्ष प्रजापति अपना जो कन्या है सोती देवी, सोती देवी को शंकर के साथ शादी करा दी, लेकिन उनका कोई संतान आदि पैदा नहीं हुई। बहुत सारे विषय है इसका अंदर में, हमने तो संक्षेप करके वर्णन करने के लिए बैठे, उपाय भी नहीं क्या करे। और इधर जो है विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि को प्रश्न कर रहे हैं कि भवे शिलावताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्री वसलहा विद्वेषम अकरोत कस्माद अनादृत आत्मजम सतीम। अपना आत्मा जो है, जो आत्मा या जो लड़की है आत्मयाम सती, तो दक्ष प्रजापति के साथ जो शंकर भगवान का शिव जी का कैसे ऐसा हंगामा हुआ, विद्वेष हो गया कैसे, तो संभव नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो परमंश है, इसका साथ विद्वेष कैसे हो। इसे विदुर जी महाराज पहले क्वेश्चन कर दिए, भवे शिव शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्री वसला विद्वेषम अकरोत कस्माद अनादृत्वात्मजाम सतीम कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो दैवतम महत। चराचर गुरु जिसका कोई शत्रु नहीं है, शंकर भगवान का कोई शत्रु है, कोई शत्रु निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युत यथा वैष्णवानम यथा संभो पुराणानं इदम भागवतम। वैष्णवों का कोई शत्रु नहीं रहता, अगर शत्रु है तो वैष्णव है ही नहीं, कितना भी बदमाशी करे उसको मारने के लिए बहुत कुछ, फिर भी वो लोगों का हृदय में किसी जीवात्मा का लिए हिंसा नहीं आता। इस विषय पे, इस प्रसंग पे एक उदाहरण हम उदाहरण दे दे तो अच्छा लगे। इस प्रसंग में एक जबरदस्त उदाहरण है हमारा गौड़ीय संप्रदाय का, अद्भुत उदाहरण। हमारा जो सिद्धांति महाराज का नाम सुने होंगे आप, सिद्धांति महाराज प्रभुपाद का आदमी है, जिन्होंने प्रभुपाद का इच्छा का अनुसार उपनिषद का भाष्य वेदांत का भाष्य रचना की, बहुत कष्ट करके सारा जिंदगी कष्ट करके वेदांतों का भाष्य, सारे विचार गौड़ीय विचार जो है बलदेव विद्यावसन का भाष्य, गीता का ऊपर भी बलदेव भाष्य इत्यादि सारे। ये महाराज बड़ा बाहर में बड़ा कठोर थे, इतना कठोर कि तीन सन्यासी का वर्दी खींच लिया, तीन चार सन्यासी का जो वर्दी है सन्यास कपड़ा है और दंड है उसको छीन लिया, भाग यहां से, तेरा मापिक सन्यासी बहुत है, भाग यहां से, भगा दिया पूरा। ऐसा तगड़ा है, बाप रे बाप। इस विषय में महाराज बिल्कुल मर्सीलेस, महापुरुषों का ऐसा ही है हृदय, कभी देखोगे वज्रों का मापिक कठोर और किस विषय में देखोगे एकदम कुसुम से भी कोमल। महापुरुष लोकोत्तर जो महापुरुष होते, महापुरुष के हृदय ऐसे ही होते, कभी कुसुम का मापिक कोमल, कभी वज्रों का मापिक कठोर, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं उसमें। महाप्रभु भी ऐसा दिखाए, छोटा हरिदास कौन सी इतना बड़ा बात किया, ऐसा सहजिया समाज जो है नवद्वीप का इधर उधर बहुत चिल्लाते रहते, छोटा हरिदास ऐसा कैसा गुना किया जो एकदम उठा के पटक दिया एकदम ची अंदर कैसा पर। तो ये बात हमारा गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के कानों पे, तब का जमाने में के बाद, अभी का नहीं, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के कानों में आया, महाप्रभु का चर्चा हो रहा है आपस में, महाप्रभु कैसा कोरोना नहीं है, ऐसा कौन सी गुना किया जो उसको उठा के एकदम पटक दिया। और गौरकिशोर बाबा उस पार से इस पार हंसते हंसते आए और
भक्ति विनोद ठाकुर का जो सानंद सुखदा गुंज है गोद्रु में, ये सानंद सुखदा गुंज प्रायः बाबा जी महाराज आते और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का सामने बैठ के हरिकथा सुनते थे। कैसा हरिकथा देखो, भक्ति विनोद ठाकुर साक्षात सच्चिदानंद भक्ति विनोद कौन है, गौरंग महाप्रभु का अपना आदमी है। और राधा रानी का लीला विचार करो तो इसमें कमल मंजूरी राधा रानी का साहिब। और सानंद सुखदा गुंज में बैठ के हरिकथा बोलते थे, श्रोता था एक और दो, कभी एक कृष्णदास बाबाजी महाराज सुनते थे और कभी दो अर्थात गोरकिशोर बाबाजी महाराज आ गया। इतना बड़ा महापुरुष हरिकथा सुनने बैठते थे एक और दो। इनके जो हरिकथा है तो अनुभव का हरिकथा, ये कोई बाजार को बाजार में बेचने वाला हरिकथा नहीं है, अमृत। वो आसन भी, वो जगह भी अभी है जहां बैठ के भक्ति विनोद ठाकुर हरिकथा बोलते थे। बाद में तो एकदम मौन हो गया, एकदम नाम में बोला था। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उस पार से आए, आते और हंसते रहे और अपने आप में कुछ बोलते रहे। भक्ति विनोद ठाकुर बोले, महाराज क्या हुआ आपका, क्या बोलते हो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो, क्या बोलना चाहते। बोले ना नहीं, उस पार में ऐसा चर्चा हो रहा है कि महाप्रभु का करुणा कैसा करुणा है कि छोटा हरिदास छोटा मोटा पाप किया, अपराध किया होगा, उसको उठा के एकदम पटक दिया और उसको ग्रहण नहीं किया, ऐसा कैसा है। गौर किशोर बाबा जी महाराज बोलते बोलते हंसना शुरू कर दिया। सहजिया का विचार जो है अलग विचार है और शुद्ध भक्ति का जो विचार है उसमें कोई मिलावटी नहीं चलता। शुद्ध भक्ति का जो विचार है उसमें कोई मिलावटी नहीं चलेगा, चाहे तो ग्रहण करो नहीं तो जाओ, लूटना है तो लूटो नहीं तो फूटो, ऐसा वृंदावन में भाषा है। और इधर जो है शिलो महाराज जी बाहर में बड़ा कठोर, तीन सन्यासी तीन चार सन्यासी का हमने सुने हैं, एकदम सन्यास वेश को एकदम उतर, हमको सन्यास वेश दे दे, डंडो दे, भाग यहां से, क्योंकि उसको बार बार मना किया, ये लोगों का घर में नहीं जाना, विधवा लोग है ये है, उन लोगों का घर में मत जाना, नियम नहीं है, इनके सेवा में नहीं जाना, आपको पतन हो जाएगा। तो सुना नहीं, वो कई बार कह चुके, उसके बाद जो खबर मिला तो कापरा उतार के एकदम फेंक दिया मंदिर का, जा बाहर ये दरकार नहीं, ऐसा कट्टर थे। तो कट्टर जो महाराज जो कट्टर है, लेकिन बाहर में कट्टर, अंतर में तो निष्ठा है, इतना भक्ति है। तो परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज की जिंदगी में एक व्यक्ति महाराज का हम नाम नहीं बताएंगे, आपका ही ये जो वेदांत समिति का पूरा पुराना महाराज है, वो उसका शरीर का हालत ऐसा था कि शरीर वैसे जैसे पंगु है, ऐसा शरीर में पुरुषों का शरीर में जो वाइटल चीज रहता है ना, जो बल वीर जो, वो एकदम निकालते नहीं, वो उसका खत्म है, कुछ नहीं है, मुर्दा जैसा। और डॉक्टर ने बोले वो मर जाएगा, वो रहेगा नहीं का, वो अभी क्या करे संसार, वो घर में भी उसको धक्का दे, क्या करे, उसका कोई रास्ता नहीं, तकदीर का खेल है। आके मंदिर में रोना शुरू कर दिया, हमको थोड़ा व्यवस्था करो थोड़ा। और लोगों ने बोली क्या करे, तो कोई काम का नहीं, बैठे रहेगा, बीमार है, कुछ काम का नहीं है। तो एक वैष्णव का करुणा हुआ, बोले एक काम कर, वो परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज के कुटिया का सामने दिखा दिया, बोले इधर पढ़ा रहा, रोते रहे, और महाराज जी निकालेगा और तो देखेगा कि करुणा हो जाए तो तेरा मंगल हो जाएगा। तो सचमुच महाराज कुटिया से निकल, कौन है, दिखेगा पाही जेल पड़ा हुआ है, कौन है, क्या नाम है तेरा, ऐसा ऐसा है। तो ऐसा करुणा हो गया, तो उसको थोड़ा दबा कराया, वैष्णव का कृपा मिला तो ताकत तो आई जाएगा, और धीरे धीरे उसको हरिनाम दिया, दीक्षा दिया, और वो अभी संन्यास लेके महाराज है, नाम नहीं बताएंगे, ऐसा है। वैष्णवों का कोरोना हो जाए, बाहर में इतना कड़ा था, महाराज कुटिया से निकल रहे, निकलते हुए देखा किसी जगह से कोई गाना आ रहा है, कोई साउंड आ रहा है, महाराज कहां से आ रहा है, गेट से जा रहा है, देखा प्रेस में थोड़ा रेडियो चल रहा है, तब का जाए FM,
जाके एक लाती लगाया रेडियो को, चूर चूर हो गया, चकना चूर, एक लात ऐसा कड़ा था। एक जगह जाके प्रसाद पा के आया महाराज का शिष्य, हम नाम नहीं बताएंगे, दो एक। बोले कहां गया था? बोले महाराज वो मिशन में गया था, ऐसा है। वहां क्या हुआ, किसका साथ बात किया, ऐसा ऐसा प्रसाद पा के आया। तीन दिन तक प्रसाद नहीं दिया, गोबर जल से मुख धोला और जा उपवास रहे। इतना कठोर, बाप रे बाप, ऐसा है। ये जो महाराज का बात हम कहने के लिए प्रस्तुत हुए, ये सिद्धांति महाराज जी, सिद्धांति महाराज एक दिन सोए हुए हैं, जारा का मरसूम है, कंबल देके सोए हुए हैं। और ठाकुर जी का ऐसा ही लीला है, महाराज जी अक्सर इधर माथा देते हैं, इधर पार देते हैं, यही नियम है महाराज जी। ठाकुर जी का क्या नियम है, उस दिन उल्टा दिया, इधर पैर इधर माथा दिया, क्या ठाकुर जी का करुणा देखो ऐसा। और रात को 12-1 बजे कोई अगर दुष्ट व्यक्ति, ब्रह्मचारी का वेश में या सन्यास पहले था कोई भी होगा, उसका प्रतिहिंसा था महाराज का पति, और महाराज वो इतना बड़ा शानदार एकदम एकदम मारने वाला, काट करता है ना बड़ा, वो एक कोप मारो तो एकदम टुकड़ा हो जाएगा। ये लेके क्या किया, मंदिर का अंदर छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था, हमारा सोया हुआ था, चुपके से आके ऐसा करके उठाया, एक बार दम मारा, एकदम बाहर एकदम खून निकाला, और भग गया। और चिल महाराज थोड़ा चिल्लाए, सब आदमी भागया, क्या हुआ क्या हुआ, वो तो अस्त्रों को कहीं छुपा दिया, कुछ हुआ। और फिर उसके आदमी सब जो जितना भक्त लोग था उसको पता चल गया कि किसने किया हुआ। फिर उसका बाद केस चला, फिर वो कोर्ट में महाराज जी को बुलाया गया, महाराज जी अटेम्प्ट टू मर्डर केस ये है, इसमें आप ध्यान से देखो कि ये व्यक्ति आपको मारने का कोशिश किया ना, यही तो है, देखो ठीक से, यही आपको मारने का कोशिश किया ना, रात का अंधेरा में यही तो मारने की कोशिश किया। महाराज एक जगह है खड़ा कोर्ट में, और ये जो वादी विवादी रहता है ना, इधर खड़ा हुआ है। महाराज जी ध्यान से उसका आंखों पर देखा, उधर खड़ा रहते हुए जो मारा था उसका आंखों पर देखते रहे, और आंखों में आंसू आ गया महाराज का। और धीरे धीरे वकील को बोला, जज साहब को बोला, ऐसा किया ये नहीं, महाराज क्या कह रहे हो, आपका दिमाग खराब हो गया क्या, यही तो मारा था आपको, अटेम्प्ट टू मर्डर केस, यही तो मारा था, ठीक से देखो। महाराज बार बार बोला नहीं मारा, और जो मारा था उसका हालात अब क्या होगा बोलो। ऐसा करके उसका ऊपर करुणा बरसाया, महाराज जी जानते इसका तो शास्ति इसको मिलेगा ही, और हम अलग से उसको फांसी में लटका के क्या करें, छोड़ दिया। तो देखो इतना कठोर है फिर भी इतना करुणा है, जो उसको शास्ति नहीं दिए, छोड़ दिए जा। लेकिन सिद्धांतों के बारे में कठोर, आप अपमान करो गुरु वैष्णव कुछ करो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सिद्धांतों के बारे में विचार के बारे में उल्टा सीधा करो सेवा में, तब तो बोलेगा, तो छोड़ेगा नहीं। अब देखो इधर जो है शंकर भगवान देखने में बाहर से भयंकर है, क्योंकि तमोगुण का अधिष्ठाती देवता बन के बैठे, तमोगुण का अधिष्ठाती देवता बन के बैठे, इसलिए होना ही, कोई अगर पुलिस का काम करे उसको पुलिस का वर्दी लगाना पड़े और जाके लाठीचार्ज भी करना पड़े क्योंकि वो पुलिस का काम करता है, लेकिन अंतर में उसका वैष्णव भाव है तो क्या करे, उसका नौकरी तो ऐसा है, पुलिस का वर्दी पहन गया। ऐसे शंकर भगवान भी ऐसा है, परम वैष्णव, लेकिन बाहर में तमोगुण का अधिष्ठाती देवता बन के बैठे हैं। और जितना सारे बुर्वक है, बुद्धू है, सब सोचते शंकर जी भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस भोग लगाए भोग और चिलम लगाए, वो सोचते शंकर जी सब खाते हैं। ये लोग जो है ना जितना सारे पागल है वो सोचते हैं कि शंकर जी ऐसा खाते हैं, और भोग उसी को लगाए, चिलम लगाए, भांग लगाए, भांग घोट के, आ शंकर भगवान का।
बोले शंकर बोल के पी लिया, बस हो गया। वो सोचते शंकर भगवान का प्रसाद है, शंकर भगवान इसे कुछ नहीं लेते। ऐसा करके अब द्विजय महाराज के ये क्वेश्चन है जो किस लिए चराचर गुरु जो परमहंस जो है शांत विग्रह शंकर भगवान, इसका साथ कैसे बैरी हुआ, विद्वेष कैसे हुआ, आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो दैवत महा। ये तो आत्मा राम है, शंकर भगवान आत्मा राम है, हैं कीर्तन में है ना, जार नामानंदेशी बसनो ना जानी इत्यादि है ना कीर्तन में, हैं कपड़ा नहीं रहता कीर्तन करते करते। नारद मुनि बजाए बिना एक कीर्तन में भी सुंदर है, सुंदर शंकर भगवान कह सब। अब ऐसे कैसे हो गया, भले ये कहानी है, ये कहानी सुनो ठीक से। मैत्रु वाचो, मैत्रु कह रहे हैं कि पूरा बहुत दिन पहले विश्व सृजाम सत्रे समेतहा परम ऋषयो और तथा अमर गणहा सर्वेशानुगा मनयो मुनयो अग्नयो हो। बहुत दिन पहले एक बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ, पूर्व काल में विश्व सृष्टा जो है, विश्व सृष्टा जितना सारे देवगण हैं, महर्षिगण सानुचर अनुचर के सहित मुनिगण सारे ऋषि मुनियों का झुंड पूरा इस यज्ञों में शामिल हुआ था। जितना सारे अग्नि हैं सारे आया, वायु है सब, जितना सारे वायु है वायु का सारे आया है, 49 वायु सब, उसका प्रसंग आएगा। मैत्रो पूर्वकाल विश्व सृष्टा, विश्व सृष्टागण का जो यज्ञ है उसमें आया था, उसमें उसमें ब्रह्मा जी भी आए और शंकर जी भी आए, और इसमें सब चल रहा था सभा। और उसमें उस सभा में क्या हुआ, दो दक्ष प्रजापति जो है उसका, उसको ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति बंदे बना दिया, प्रजापति का अध्यक्ष। जितना सारे प्रजा है ना ये जगत का, ये प्रजापतियों का अध्यक्ष प्रिंसिपल बना दिया। तो उसने कोई कॉलेज का प्रिंसिपल, कोई इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हो जाए उसका तो पूरा ऊंचा पद है, थोड़ा अभिमान आ गया। इतना सारे सृष्टि का जितना सारे है, ऐसे सृष्टि का जितना सारे प्रजा है उसका प्रजापति बना दिया। इसमें उसका अंदर में अहंकार पैदा हो गया क्योंकि स्वाभाविक है, जड़ जगत तो है, सिद्ध तो हुआ नहीं। और जब ऐसा है तो इस सभा में आया तो देखा ब्रह्मा और शंकर छोड़कर बाकी सारे खड़ा होकर सम्मान किया। जितना सारे देवता है ऋषि मुनि जितना सारे हैं दक्ष प्रजापति को सारे सम्मान किए, आओ 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 बोले ऐसा सम्मान किया। लेकिन पितामह ब्रह्मा वो खड़ा हुआ नहीं, कि तो पिताजी है, ब्रह्मा तो पिताजी है, पितामह हमारा विचार से, लेकिन वो तो उसका पिताजी है दक्ष प्रजापति, वो खड़ा हुआ नहीं। और शंकर भी खड़ा हुआ नहीं, शंकर खड़ा हुआ नहीं, लेकिन शंकर का तो शंकर तो महा परमहंस न वैष्णव है, तो उन्होंने खड़ा हुआ नहीं तत्व भी जो तो, जो जो ये सब विचार है शास्त्रों में, जो लोक व्यवहार में कौन कौन आदमी हिस्सा ना ले, ये जो लोक व्यवहार है ना, कोई आए सम्मान किया स्वागत किया, जो परमहंस व्यक्ति है ऊंचा वो लोग का, ये लोक व्यवहार में कोई उसका कोई ये नहीं, लोक व्यवहार करे ना करे कोई आता जाता नहीं। इसलिए एक श्लोक हम बताया था पहले, ज्ञानोनिष्ठो विरक्तो व मदभक्त अनपेक्षक सलिंगानम आश्रम स्त्यक्ता चरित अविधि गोचरा दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स। ये परमहंस व्यक्ति जो है उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें कैसे बांधोगे उसको, वो तो लोकाचार का ऊपर है। ऐसा हालत है शंकर भगवान का, तो क्या लोकाचार करे, किसको दंडवत करे, ऐसा करे, वो तो ठाकुर जी का चिंतन हर वक्त करते हैं, हर वक्त हृदय में जो ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं उसका किसी का तो दरकार है नहीं। अगर ठाकुर जी का चिंतन हो रहा है, ठाकुर जी का भावना, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो शंकर भगवान उठ के खड़ा हुए, प्रज्ञावान जो व्यक्ति है गीता में देखो प्रज्ञावान का, प्रज्ञावान कैसे बात करता है, उसका चलन कैसा है,
बोलते कैसे चाल बोल है, प्रज्ञावान व्यक्ति उसका चाल बोल कैसा है। अर्जुन ने पूछा उसका चाल बोल कैसा है, उठना बैठना वो थोड़ा हमको बताओ हम सीखे। तो भगवान श्री कृष्ण बताना शुरू कर दिए, वैसे ही असंद्रियाणी तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित, वैसे ही असंद्रियाणी जिसका सारे इंद्रियों अपना बस में है। और बस में किसका होता है, कोई जोगी कहने का, जोगी कहने का तो हो सकता लेकिन थोड़े देर के लिए हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई भक्ति छोड़ के कोई रास्ता ही है। जोगी कहने का भी कंट्रोल होता है इंद्रियों के ऊपर, जय प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता तोड़ भी टूट भी जाता है और फिर उल्टा रास्ता उल्टा हो जाता है। इसलिए भक्ति छोड़कर जो रास्ता है सो भी अनस्टेबल है, इसमें कोई सियोरिटी नहीं। इस बात का ब्रह्मा भी चर्चा की, ब्रह्मा भी पर अथ भजे आरुज्य कृच्छे न परम पदम ततः पतति अध अनादृत जुष्मत अंग्रयो। ब्रह्मा जी ने बताया हे ठाकुर जी इतना कष्ट करके भजन करते 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 इतना ऊपर गया, भजन करते करते इतना ऊपर गया, जाने के बाद भी आपका चरण का जो सेवा है वो चरण सेवा ठुकराया, चरण सेवा को चरण सेवा पर ध्यान नहीं दिया, ठाकुर जी का सेवा ध्यान नहीं, इसीलिए क्या हुआ ऊपर से फिर नीचे आना पड़ा। अरुच कृच्छेन, कृच्छेन मतलब उतना कष्ट करके इतना ऊंचा गया, फिर उसका बाद पतन हो गया। तो इसलिए जो है वैसे ही असंद्रियाणी तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित, तो एक बात बोला आप प्रज्ञावान व्यक्ति का और कोई लक्षण है उसमें, ये विशेष है जो सर्वकर ठाकुर जी का चिंतन में डूबे रहते हैं, यही विशेष। और जब ठाकुर जी का चिंतन में डूबे रहते हैं कोई भी सेंस ऑर्गन आपका, परम विषय जो ठाकुर जी छोड़कर दूसरा कोई विषय में रमन करे, दूसरा कोई बस दूसरा कोई जो जो कुछ भी विषय उसमें रमन करना चाहे क्या, हर इंद्रियों जितना सारे इंद्रिया हैं अगर ठाकुर जी का चिंतन में सेवा में लगे रहे तो उसका हिम्मत ही नहीं कि दूसरा सेवा में दूसरा कुछ जड़ विषय में जाए। तो ऐसा जो है शंकर भगवान उठ के खड़ा नहीं हुए, इस बात का बड़ा झगड़ा लग गया, क्यों खड़ा नहीं भाई, दक्ष प्रजापति का इस बात का बड़ा गुस्सा है यार, क्यों खड़ा नहीं भाई, खड़ा होनी चाहिए, हम जब अंदर में आया इतना अभिमान है, बोले ये देखो सब खड़ा हुआ है, ये पागल है बैठा हुआ है, हम जो आया हम उसका ससुर लगता है, ससुर है हम, हमारा लड़की का साथ इसका शादी हुआ क्या, हम पितृ बराबर नहीं, पिता का बराबर, खड़ा होनी नहीं चाहिए, बुद्धि खराब हो गया इसका है, हर वक्त शमशान में रहता है, कोई आचार निष्ठा नहीं है, हम तो अपना लड़की को इसका साथ शादी नहीं देने वाला। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारा बेटिया रानी को इसका हाथ दे दो, क्या करे, जोर जबरदस्ती ब्रह्मा जी बोला, सत्पिता जी बोला दे दिया, हमको इच्छा नहीं था, कोई आचार नहीं है, भ्रष्टाचार है, भूत पेतों का साथ रहता है और चारों ओर भस्म चीता, कोई नाना धोना ना आचमन ना स्नान कुछ नहीं है, है ना। दुख प्रजापति तो गाली दे रहे हैं लेकिन इसमें जो विचार है तत्व ज्ञानी जो बोलेगा यही सम्मान हो गया, जो दक्ष प्रजापति गाली दे रहे हैं ना लेकिन उसका जवान के सरस्वती सरस्वती प्रशंसा कर रहे हैं शंकर भगवान का, दक्ष प्रजापति तो गाली दे रहे हैं लेकिन ये जो शंकर भगवान का प्रशंसा हो रहा है अन्याय व्यतिरिक विचार है ना, अन्याय व्यतिरिक, ये जो परम वस्तु संसार में है ये वस्तु को ध्यान से सुनो, ये बात को वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत, ये संसार का जो चीजें हैं जिसका पीछे दुनिया का आदमी दौड़ते हैं, ये चीजों को प्राप्ति कर ले, चाहे पढ़ाई का डिग्री हासिल करो, कोई बिजनेस का कोई टारगेट हासिल करो, कुछ भी है, इसमें आपको जिस प्रोसीजर पे जाना है, ध्यान से सुनना, जिस पद्धति पे आपको जाना है और ठीक तत्व ज्ञान जो प्राप्ति उसका जस्ट ऑपोजिट है, समझा मेरा, प्रत्योग और पराग दो विचार है, जिस रास्ते में जिस विचार पे जिस धारा के द्वारा जिस विचार के अनुसार
इस जगत में आप चलते रहोगे, एक एक चीज को प्राप्ति करोगे, लेकिन जब लेकिन जब तत्व वस्तु को, यही परम वस्तु को प्राप्त करने जो है संसार से परे है परम वस्तु, तब उसको जाना पड़ेगा उल्टा। ऐसे संसार में ऐसे जाते हो ना, और जब ये तत्व में प्रतिष्ठित होना जाओ तब जस्ट अपोजिट उल्टा रिवर्स आना पड़ेगा, क्योंकि नेति 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 माने ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं, ये तो इसमें हमारा बंधन हो, ऐसा करते करते उल्टा आओगे। समझा मेरा बात? समझ आई बात? समझ में? उल्टा आना पड़ता है। जड़ संसार का जो वस्तु सीधा रास्ता में मिलता है, और परम वस्तु जो है, जो परमात्मा वस्तु, जस्ट ऑपोजिट रिवर्स प्रोसीजर में आता है। इसमें आपको विचार आता है मन में, ये तो ठीक नहीं, इसमें तो मेरा बंधन हो जाए, तो इसको छोड़ दिया, फिर ये करने गए, ये तो छोड़ना पड़ेगा, तो महाराज बोला था। ऐसा करते करते तत्व वस्तु को विचार करते करते आपको क्या उल्टा आना पड़ेगा, करके सारे समाज संसार को नेगेटिव कर दिया। उसके बाद आत्म वस्तु है, आत्म वस्तु को पर ध्यान दिया, उसके बाद अंतिम में आत्माराम मन गया, आत्माराम मन गया, आत्मनि रमते इति आत्माराम। कितना माताजी है जिसका चरण धूलि हमारा मापी गिरा हुआ आदमी मस्तक में ले तो उद्धार हो जाए, ऐसा बड़ा बड़ा रमणी वृंदावन में इधर उधर देख भजन करती, चिंता सोच भी नहीं सकते, वो देखने में बाहर में रमणी है, माताजी है। तुम बोलोगे ये माताजी है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। परम पूजा श्रीधर गोस्वामी महाराज के पास परम पूजा श्रीधर गोस्वामी महाराज जिसका बारे में प्रभुपाद कितना कुछ कहते थे, उसका कृपा मिला था दो रमणी को, माताजी को, दो माताजी, कृष्णामयी माताजी और एक माताजी, हमने देखा वृद्ध अवस्था में 100 साल उम्र ऐसा पड़ा हुआ ऐसा। तो ये वृंदावन में कई सब देखा, वो बाप रे कितना भजन करते, पूरा रात भगवान का चिंतन करते करते पूरा लीला को दर्शन करते हैं, और जो दर्शन किए वो दर्शन को लिखे भी हैं, उसका लेखा पढ़ के हम पागल हो गए, बोले ईसा लिखा, जैसे लगता है साक्षात सरस्वती बैठ के लिखा है, ये हो ही नहीं सकता, सरस्वती छोड़कर ये लिखा दुनिया का कोई विद्वान का हाथ पे आ ही नहीं सकता, लेकिन वो माताजी का हाथ में है। अब सोचो क्या बात, अब माताजी पिताजी ये सब चिंता करते रहे तो हो गया। तो ये जो विचार है बड़ा गंभीर विचार, परम पूज्य केशव कुशी महाराज का खानदान में गिरिजा माताजी सिद्धो बाबरे, देखने में संसार में है, गिरिजा माताजी कितना सेवा किया परम पूज्य केशव कुशी महाराज को, बावन कुशी महाराज को कितना सेवा किया। पहले बोला था ना एक दिन आधा मिर्चा अमानिया किया, ब्रह्मचर्य आपका दिखा हुआ और नहीं हुआ, पूरा लेके फेंक दिया और रोना शुरू कर दिया। तभी वो जिन वो जो दिन है, वो जो दिन है वही माता जी का पूरा 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 जिंदगी का पूरा मोड़ घुमा दिया। उसी दिन वो जो धक्का लगा जिंदगी का मोड़ घूम गया, बोला ठीक है बेटा आज तो फेंक दिया मेरा, कल ऐसा दिन आए मेरा हाथ में तेरे को खाना पड़े, ऐसा ही बड़ा बार महात्मा लो, ऐसा आचरण होना चाहिए। संत महात्मा क्या अंधा नहीं है जो आपको ठुकरा दिया खाएगा नहीं, ये नहीं, ये इसका अभिमान नहीं है, इसमें विचार ऐसा है, हैं कितना भजन किया। कोई ब्रह्मचारी सन्यासी ऐसा भजन करे संभव नहीं, गिरिजा माता आदि और भी पिसी मां बोलता था और भी मठ में रहता रहती थी देवानंद गौरी, बड़ा अद्भुत। तो ये जो है देखो शंकर भगवान, तो शंकर भगवान को बोले ये तो मेरा जमात है, मेरा लड़की का साथ इसका शादी हुआ, तो आप लोग विचार करो इसको खड़ा होना चाहिए था और खड़ा हुआ नहीं, तो हमको अपमान किया, बोल के बातों बातों में लड़ाई आ गई। इतना उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि मत पूछो, उल्टा सीधा गाली, ऐसा गाली दे दिन देना शुरू कर दिया कि मत पूछो। बोले क्या, एशो में शिष्यताम प्राप्त जन्मे दुहितुर अग्रहित, ये तो मेरा लड़की को ग्रहण किया तो मेरा लड़का का बराबर हुआ हैं, एशो में शिष्यताम प्राप्त, ये तुम्हारा शिष्यों का बराबर, गुरु है ना, पिताजी गुरु होता है ना,
पिताजी गुरु होता है। समाज संसार का नियम वेदों में है, वेदों में है ना विचार, पिता सर्ग पिता धर्म है ना। तारपर उसका बाद आता है कवि जननी जन्म भविष्य सर्गाद पिगरियसी इत्यादि। लेकिन सारे जो विचार है ये विचार है बाहर का विचार, फाइनल विचार नहीं है, फाइनल विचार नहीं है इसका अंदर। ये इसका बाद जब गंभीर विचार में जाओगे तब पागल हो जाओ। मोटा आदमी जो है, मोटे माथा जो है, जिसका बुद्धि जो बड़े हाथी का बुद्धि बोलते हस्ती है, चाहे हमारा चैतन्य चरितमृत ऐसा ही बात बोलता है, यदि अपराध उठे हाथी माथा उपारे जब उपारे छिंडे जाए सुखी जाए पता बंगला में है। अगर हाथी का मापिक बुद्धि आपका हो गया तो अपराध कर दिया तो आपका भक्ति लता पूरा खत्म हो जाए पूरा। और दुर्योधन को चेंज करने के लिए कितना कोशिश किया बोलो, किया नहीं? विदुर जी महाराज कोशिश किया, फिर कृष्ण भगवान कोशिश किया, ये दुर्योधन को साक्षात कृष्ण, लेकिन हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि होने वाला नहीं है, बुद्धि ऐसा बिगड़ गया। कृष्ण स्वयं गया दूत बन के, उसका समाधान करो, लड़ाई झगड़ा वो ना हो जाए, वही उसी में अच्छा है, लेकिन सुना नहीं। लेकिन अंतिम में जब टांगे तोड़ के फेंक दिया भीमसेन, तब क्या बात है? तब तो बताया सच्चा बात को, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थिते न यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। ये बात कौन बोला? वही तो दुष्ट दुर्योधन ने बोला ना, उसी का जवान से ही निकाला। बोले ठाकुर जी मैं धर्म क्या बोलता है बड़े भले भांति जानता हूं, लेकिन मेरा रुचि नहीं है। अरे कैसा बात है, मैं धर्म मैं जानता हूं, धर्म धर्मों के बारे में मेरा जानकारी है, लेकिन मेरा रुचि नहीं है। अधर्म ये है क्या है नहीं है इसका बारे भी मेरा मैं जानकारी है, मैं जानता हूं ये अधर्म है, फिर भी मेरा निवृत्ति नहीं है। अधर्म को ही हम अपनाना चाहता हूं, अधर्म का अधर्म ही अच्छा लगता है मेरा। ये बात कौन बोला है? जब टांगे तोड़ के पड़ा हुआ है तब बताए सच्चा बात। हम धर्म जानता है, खूब जानते हैं धर्म ये है, लेकिन मेरा रुचि ऐसे ही। मोटे बुद्धि वाले जो है उसका विचार बड़ा मोटा है। जैसे ये जो दक्ष है, ये कोई अगर पूछे महाराज दक्ष का बुद्धि ऐसा खराब है, बोले दक्ष जो नाम है, इसी नाम जो है दक्ष, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दक्ष। दक्ष मतलब क्या है अंग्रेजी में? एफिशियंट, यही तो है ना दक्ष, यही तो माने आए। तो किस विषय में एफिशियंट है? बोले संसार विषय में एफिशियंट है। संसारिक जो विषय है, और बाल बच्चा पैदा करना, संसार करना, ये सब संसार का जो छोटा मोटा जो तुच्छ विषय है, इसमें इस विषय में बड़ा एफिशियंट है। बाकी जो तत्व ज्ञान है ये सब विषय में कुछ नहीं है, इसीलिए इसका नाम दक्षो दिया गया। देखो कितना पहले से दिया गया इसका नाम दक्षो, क्योंकि जानकारी है दक्षो ये करेगा दक्षो। तो उसको बुद्धि ऐसा खराब है, वो शंकर भगवान जो साक्षात जो इतना बड़ा है ठाकुर जी, इसको कितना कृपा की है, स्वयं भगवान शंकर जी को कितना कृपा की, इसको कोई पता नहीं। एशो में शिष्यताम प्राप्त जन्मे दुहित्र अग्रहित पानीम विप्राग्नी मुखतः स्वावित्रा इव साधुवत। जो भी है संक्षेप में हम बताए कि हमारा लड़की को गौन किए तुम्हारे शिष्य संप्राप्ति किए। और बंदर का मापिक लोचन है आंखें, ऐसा गाली दिया। गृहित्वा मृगो साबाक्ष साबाक्षा, बोलचे गृहित्वा मृगो साबाक्षा पानिंग मर्कट लोचन, मर्कट बंदरों का मापे आंखें हैं, ऐसा गाली दिए। पूरा शरीर ऐसा धूल से मलिन है, और शमशान का जितना सारे धूला है वो चीता भस्म है, ये सब है। बोलो चीता भस्म कृतो स्नानन, स्नान तो नहीं मनाते, स्नान मनाते और चीता भस्मों के द्वारा स्नान है लिखा हुआ। हमारा परम पूज्य केशव कुशी महाराज कभी कभी स्नान मनाते थे, स्नान नहीं करते थे, समय नहीं है। परम पूज्य पूज्यवाद केशव कुशी महाराज स्नान नहीं मनाते थे,
इतना पवित्र, लेकिन शरीर में कोई गंध नहीं, कुछ नहीं है। कभी कभी इच्छा हुआ तो स्नान नहीं। हाँ, पवित्र, परम पवित्र शरीर। चिता भस्म कृतो स्नान प्रेतो स्रोत नियस्त्र भूषण शिवापो देशो ही अशिवो मत्तो मत्तो जनप्रिय। भले ये तो शिव का नाम लिया लेकिन अशिव है। शिव का मतलब मंगल, शिव माने तो मंगल है ना, लेकिन ये शिव का नाम लिया लेकिन अमंगल है, अशिव, अशिव। हर वक्त चिता भस्म का राख दे के स्नान करता है और अशुच है, बजे ये अशुचि है और स्नान फान कुछ नहीं करते। आप भूत प्रेतों का साथ रहते हैं, जितना सारे मुर्दा का जो हड्डी है ये सब है, वो सब लगा के रखे हैं और क्या कहे। पोति ही प्रमोथ नाथानम तमो मात्रात्मकात्मकम, बजे तमो मात्रात्मकात्मका आत्मनम अद्भुत प्रेत पितादि का साथ इसका संगम है और वक्त चलते रहते हैं। ये जो विचार है इसमें गाली दिया, बहुत सारे गाली, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और इसके बाद निषिद्ध मानः स सदस्य मुक्षैर दक्षो गिरित्रायो विसृज्य सापम तस्माद् विनिष्क्रमो विवृद्ध मनुर जगाम कौरव निजम निकेतन। साफ दे दिया, भले ये जो है जो दक्षों ने साफ दिया देवर गिरीश दक्ष, और कैसा साफ दिया, भले ये देवगणों के साथ ये जो है ये भाग नहीं मिलेगा इसको कभी। और जो लोग ये शिव का अर्चन करे वो लोग पाखंडी बच जाएगा, वो सत्शास्त्रो विमुख हो जाएगा। अयं तु देव जजनो इंद्रोपेन्द्रादि भीर भव सहो भागम न लभत्याम देवैर देवो गणाधमः। देवगणों में ये अधम है, इसको कोई देवता लोगों में जो भाग रहता है ओम स्वाहा जगु में भाग, शिव का कोई भाग नहीं रहे। ऐसा गाली दिया, सांप दिया और बोल के जो लोग ये शंकर का भजन करे वो पखंडी बन जाएगा, शस्त्रास्त्रो विमुख हो जाएगा, पखंडी बन जाए, ऐसा गाली दिया। हाँ, दक्षो ने पहले बोला ये सांप, पहले दक्षो बोला, दूसरा जो सांप हम बोला वो तो भिगु ऋषि, दूसरा सांप भिगु ऋषि, हमने तो एक साथ बोल दिया जो भी है। ऐसा करते करते गाली गलाज, बड़ा हंगामा हो गया, लेकिन शंकर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। परमहंस है ना शंकर भगवान जी, कोई उत्तर नहीं दिया। बोले चलो ठीक है, गाली दिया, सीधा उठ के क्या हुआ, धीरे धीरे चला गया। जब शंकर भगवान उठ के चला गया और वापस में लड़ाई चलते रहे तो शंकर सोचे विमोना ही वो विमोना हो गया, क्या हो रहा है सब, कहां ठाकुर जी का चिंतन है, क्या उल्टा सीधा हो रहा है, हमको प्रपंच में नहीं पड़ना है। बोले शंकर जी उठ के चले गए। इतने में नंदिया जो है, नंदिया तो बोलते रह गए, जब सांप दिया तो नंदिया भी गाली दिया है, ब्राह्मणों को बुरा गाली दिया, देखे जब गाली दिया साफा साफी हो गया। बोला और भिगु मुनि भी गाली दिया, बोले भवव्रत धरा जे च तानो समानु व्रता पाषण निनस्ते भवंतु शस्त्रास्त्र परिपंथिना। शस्त्रो विचार से वो लोग घूम जाएगा, शस्त्रों का विचार नहीं रहेगा इसका अंदर में। भवव्रतो शंकर व्रतो, शंकर का अर्चन करे, शंकर व्रतो को धारण करे, नष्ट शौचा मुड़ो धियो जटा भस्मास्त्र धारिणा विशंतु शिव दक्षि शिव दीक्षायम जत्रो दैवम सुरासवम। जहां जहां जे ये जो है जे ये जो शस्त्रास्त्र विमुख हो जाए और ये सब दुष्ट आदमी जो असुर लोग है, राक्षस है, ये लोग ही शंकर का पूजन करने के लिए जाए। शिव दीक्षा में यहां लिखा हुआ है विशंत शिव दीक्षायम, वो लोग शिव दीक्षा में जाए
जो लोग पखंडी हुआ पखंडी बन जाए वो ही जाएगा वो उसका, और उसमें दारू रहेगा चरस भांग रहेगा वो सब रहेगा, वो लोग ऐसा करे, ऐसा अगर विचार करे तो परमहंस जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान का ऐसा प्रभाव है तमाम शास्त्रों वेद वेदांतों उपनिषद कहां जाओगे, तमाम शास्त्रों का विचार करके देखो शंकर भगवान का जो पोजीशन है अनोखा। शंकर भगवान का कृपा के द्वारा लाखों लाखों आदमी का मंगल हो गया, लाखों लाखों आदमी का, ये शंकर भगवान और नारद जी ये दोनों भक्ति भक्ति राज्य का दो आचार्य है। जहां भी कोई शास्त्र पढ़ो, जहां भी कोई स्तोत्र पढ़ो, स्तोत्र पढ़ोगे ना, स्तोत्र पाठ करते हो ना कभी, और स्तोत्र पाठ में देखोगे शिव वाचो, शिव वाचो देखे ना, शिव वाचो शिव कह रहे हैं, कभी नारद वाचो, कोई भी स्तोत्र पाठ आदि करते करने जाओ तो उसमें देखा देखोगे शिव है आ तो नारद जी है हर वक्त, ये सब गुरु सहस्त्र नाम आदि कौन शंकर भगवान का, कितना सुंदर। अब उसको गाली दिया। इसका बाद जो है ये भी नंदिया भी गाली दी, बड़ा नंदिया गाली दिया बहुत सारे ब्राह्मण जो सर्वभक्खा दिजो वृत्तर धितो विद्वा तपव्रता, ये लोग जो है सर्वभक्ष हो जाए दीजो लोग भ्रष्टाचार हो जाएगा, ब्राह्मण लोग संतुष्टि रह जाएगा कभी। 26 नंबर ये सकल ब्राह्मण जो है सर्वभक्ष मछली मांस सब खाए ब्राह्मण लोग, और वृत्ति निमित्त अर्थात देहादि पोषण का निमित्त विद्या तपस्या व्रतधारी होगा हैं, अपना शरीर संसार को चलाने के लिए वो लोग जजमानी आदि करके अपना सजा उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा करके साफ किया धन जान दियो हैं, इतस्तत विचरण करे उसमें कोई उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा करके नंदिया अभिशाप दिया, तो ब्राह्मण लोगों का ऊपर अभिशाप आ गया। और इसमें एक बात है, जो ब्राह्मण लोग भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं तथा विष्णु तत्व का भजन करते हैं इसका ऊपर ये सांप का कोई असर नहीं पड़े, ये सिद्धांत तो जानकर ब्राह्मण बोला है तो स्वाभाविक शास्त्रों में तो यही विचार है, शास्त्रों में तो यही विचार है, तो उसमें अभिशाप दिया तो कुछ क्या हुआ बोलो, शास्त्रों में सप्तम स्कंद में आएगा विप्राद दिशर गुण युता अरविंद नाभ पदा अरविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम, ये विचार है विप्राद, वो विप्रो जो है ब्राह्मण जो है जो कृष्ण भक्ति नहीं है विष्णु भक्ति नहीं है और लेकिन बारह बारह गुण समो दमो शौचो सरलता आर्जवो श्रद्धा सब चित्ता सारे बारह गुण रहने रहनी चाहिए, बारह गुण से युक्त होने का बावजूद स्टिल उसका कुछ मंगल नहीं होगा, क्यों, अगर विष्णु भक्ति शून्य है विष्णु तत्व पर तत्व जो है ये तत्वों से विमुख है तो ब्राह्मण का कोई वैल्यू नहीं है, विप्रात विप्रात दिशरो गुण जो था अरविंद नाभ पदारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम, उससे अच्छा तो सपच है जिसका देवावती मैया अभी स्तुति किए अहो वतो सपच ओ सपच तो पी गड़ियान जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम, अभी बताया ना जिसका जवान पिए हरिनाम नित्य कर रहा है चाहे वो नीचा कुल का हो कोई असुविधा नहीं है, ठाकुर जी का कृपा मिल जाए, बोला ना श्लोक अभी थोड़ा देर पहले, ऐसा करके सापा सापी हो गया और शंकर भगवान किसी को कुछ बोले नहीं, चुपचाप उठ के अपना भजन में चले गए, बोले चलो झामेला। इधर नंदिया का साथ लपड़ा हो गया लड़ाई, इसके बाद नंदिया वापस गए कुटिया में, उधर जहां है वहां वापस गए, इतने में कई दिन बीत गए अब कोई संबंध नहीं है, जामात को अगर खामाखा ससुर जी गालागाल दे गालियां दे उतना अपमान करे तो को जामात जाएगा का, चाहे जाएगा ना और क्या करे गाली दे। अब ये जो दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति एक बड़ा बड़ा बृहत भले वाजपेयी न एक जग का आज आयोजन किया वाजपेयी इष्टा स वाजपेयी न ब्रह्मो निष्ठान
अभिभूय च बृहस्पति सवम नाम समारेवे क्रतुम उत्तमम। क्रतु मतलब यज्ञ, क्रतुम उत्तमम बृहस्पति सब नाम का एक यज्ञ शुरू किया। कौन? दक्ष प्रजापति। दिखाने के लिए देखो हमारा कितना पावर है, दक्ष प्रजापति है ना, बहुत पावरफुल, सारे प्रजागणों का अध्यक्ष प्रिंसिपल है। तो बोले हम भी दिखा देंगे, बड़ा यज्ञ आयोजन किया बृहस्पति सब, उसमें सारे देवता लोगों को बुलाए सारे, लेकिन शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया। अरे इसको न्योता नहीं दिया, न्योता नहीं दिया, सारे देवता लोग जितना ऋषि मुनि सब निमंत्रित होकर आए हैं, लेकिन शंकर भगवान के पास तो शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया। शंकर भगवान चुपचाप बैठे हैं, बोले न्योता दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, अपमान किया किया सम्मान, वैष्णव लोग का कुछ आता जाता नहीं, कुछ भी करो। इस बार अभी ऐसा हुआ, देवी श्वेती स्त्री आती है, दिखाया श्वेती देवी इच्छा करके सब लीला की। श्वेती देवी ने कहना शुरू कर दी, सामिन ये हमारा पिताजी ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, देखो कितना सारे देवता लोग जा रहा है सर, तो हम भी चले, हम लोग भी चलना चाहिए। तो शंकर भगवान देखो तो चलना तो चाहिए, लेकिन जाए कैसे, तो गाली तो दिया उस, और जहां विदेश है देवी वहां नहीं जानी चाहिए, वहां जाए भी जाए तो मंगल नहीं होता। बोले नहीं, पिताजी का घर, गुरुजी का घर, दोस्तों का घर बिना बुलाए जा सकता है। शंकर जी बोला तो नोता तो दिया नहीं, नोता दिया तो नहीं, तो बोले नोता दिया तो नहीं दिया तो क्या है, सब पिताजी का घर है, पिताजी का घर में, गुरुजी का घर में, दोस्तों का घर में, जिगड़ी दोस्त जो है वो बिना बुलाए जा सकता है। शंकर बोले हाँ आपने देवी ठीक बोला, लेकिन जहां विशेष करके विदेश है वहां जानी नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, कहा कैसे जाए। तो ये बात जो है, जो जुक्ति है, जो सिद्धांत तो है, देवी जी को, देवी जी का समझ में नहीं आई, देवी जी को समझ में नहीं आई। देवी जी ने तर्क शुरू कर दिया, हाँ जाए तो क्या सुविधा हुआ, तुम्हारा जैसा इतना ही क्या है, उसने क्या हुआ, हम थोड़ा जाए, वो कितना हमारा बहन लोग सब आएगी, बहन लोग आए, उसका जो बहन लोगों का जो स्वामी है सब आए, सब एक साथ रिश्तेदार है, रिश्तेदारी में सब जान पहचान है, कितना सुंदर प्रेम होगा, ऐसे तो दर्शन नहीं होता। तो जोर जबरदस्ती की देवी ने, शंकर भगवान ने जब इतना बार बार कहना शुरू कर दी, शंकर भगवान ने एक बात बोल के चुप हो गया, भाई देवी हमारा बात को टाल कर अब अगर जाने का कोशिश करो तब तो मंगल होने वाला नहीं, बस इतना बोल के चुप हुआ, कुछ नहीं बोला, हाँ हूं ना टू कुछ नहीं, मैं इतना बोल दिया और कुछ नहीं बताया कि जाओ नहीं ना जाओ कुछ नहीं, बल हमारा बात को टाल कर आप अगर जाने कोशिश करो उसमें मंगल नहीं होने वाला, बस इतना ही बोल दिया, बस चुप हो गया, अपना भजन में लग गए। और देवी भी, हम देवी मैया का बड़ा गुस्सा आ गई, क्या हमको परमिशन नहीं दे रहा है, कभी घर का बाहर कभी घर का अंदर आए, और शंकर को उधर ऐसा करके दिखना शुरू, जैसे कि आंखों का तेज का द्वारा शंकर को भस्म कर दे, ऐसा दिखना शुरू करके फिर बाहर जाए, फिर गुस्से में आकर फिर अंदर आए, फिर बाहर जाए, ऐसा शुरू कर दिया, चंचल एकदम अवस्था, बाद में अगर धक्का लगा कर सीधा चलना शुरू कर दिया। तो जब चलना शुरू कर दिया कोई बात माना ही नहीं, मानी नहीं बात, तो शंकर भगवान ने नंदिया का इशारा किया, तेरा मां जाइए मैया जा रही है, जा पीछे जा, शंकर भगवान ने इशारा कर दी, जा मैया पैदल जा रही है, उठा ले अपना, तो शंकर ये जो है आपका जाके नंदिया ने मैया को बोले, मैया ऊपर बैठ जाओ, नीचे की जाए, कोई इतना बड़ा सभा में जा रहा है कोई उचित नहीं, बैठो। फिर सब लेके देवी माया उधर गई, और जाने के बाद जो बोला सोई हुआ, शंकर भगवान जो बोलो सोई हुआ, वहां जाके देखे हाय राम, शंकर का जो यज्ञ का जो आयोजन है उसमें शंकर का कोई भाग नहीं है, यज्ञों में शंकर भगवान को अपमान किया, कोई यज्ञों का कोई शंकर भगवान का कोई भाग नहीं है। और देखते ही और यज्ञ स्थल में गया तो देखा बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, बड़ा बिराज यज्ञ, बहुत सारे ऋषि मुनि, लेकिन जब देवी मैया ने प्रवेश की यज्ञ स्थल होकर अंदर महल में जाए तो किसी ने एक बात पूछा ही नहीं, देवी मैया क्यों सी बात है, कोई बात नहीं करता, क्यों वही जो दक्ष प्रजापति गाली दिया उसका संबंध नहीं है।
तो दक्ष प्रजापति का साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तमाम जो बाकी व्यक्ति है वो लोग बोला इसका साथ संबंध है, हम बात करने जाए तो कुछ उल्टा हो सकता, क्या दरकार है भाई लपड़ा में पड़े। तो ठीक है, बात नहीं किया। देवी मैया अंदर गई, अंदर में जाकर एकमात्र माँ और बहन सब है, माँ तो मैया तो प्यार की है, गले लगी। लेकिन बाकी सब जो है जो अवस्था देखकर बड़ा भारी दुखी भाई, होने का बात क्या की, इतना अपमान सहन नहीं हुआ। हमारा पति देवता परमहंस श्रेष्ठ है, शंकर साक्षात शंकर भगवान है जिसका नाम शिव जी महाराज, उसका इतना अपमान, मेरा स्वामी जिसका नाम सुबह में उठकर शिव शिव बोल के बोलो तो पूरा मंगल हो जाता है, इसी को अपमान कर रहे हमारा पिताजी। हम इसका परिचय मिटा देंगे, परिचय हम रही लिखे हाँ, हम मर मिट जाए तो इसका जो संबंधों का जो गंध है, जो जगतवासी बोले जे ये दक्ष प्रजापति का कन्या है। आज शंकर भगवान भी बीच बीच में कहते हैं हे दक्षायनी, मजा करके बोलते हैं देवी दक्षायनी, दक्ष का नाम लेके बोलते। तो हम ये नाम को, नाम और निशाना को मिटा देंगे, हम नहीं रखेंगे, चलो बोल के क्या की, अंतिम में जाके अपना घूंघट को ऐसा तक टंगा, टान के बैठ गया। पहले तो दो चार बातें बोले, वो सब बातें भले विद्या तपो वित्तो वपुर वयो कुलोई सतांगुनई सरभीर असत्यमी तोरई स्मृतौ हतायम ऋतमान दुर्दिशः स्तब्धान प्रसन्ति ही धाम भूयसाम। ये शंकर भगवान ने बताया जे विद्या तपो वित्तो वपुर वयो कुलोई सतांगुनई, ये सब बताया। इसके बाद देवी मैया ने जाके बोले धीरे धीरे क्या की, अपना घूंघट लगाकर इधर सुंदर है, ये संकल्प देवी मैया के बात में है जो इधर बताया, जो जद्याक्षरम नाम गिरे रीतम ने नाम सकृत प्रसंग्याद अघमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम आर भवा न हो दिष्ट शिवम शिवे तरह। जो शिव बोल के जो दो शब्द है, जो किसी का जबान पे आए तो सकृत उसका मंगल हो जाता है, पवित्र कीर्ति, जिसका अनुशासन किसी का हिम्मत नहीं लंघन करे, ऐसा शिव का अपमान हुआ। इधर बोल के क्या की, भले दोषानो जो दोषान परेशान ही गुणेशु साधव गृणंती केचित न भवा दृश्य दिया, दोषाणो जितना सारे दोषानो परेशान ही गुणेशु साधव गृणंती केचित न भवा दृश्य दिया, गुणांश फलगुण बहुली करिष्णवो महत्तमास्तेषु अविद्वत भवानघम। भले आपका मापिक जो व्यक्ति है वो गुणों में दोष आरोप करता है। इस जगत में तीन किस्म का जो व्यक्ति रहता है, एक है दोष को दोष बोलता है, गुण को गुण बोलता है, दोष को दोष और गुण को गुण। और एक किस्म का है जो गुणों को देखता है, दोष को नहीं देखता, ये परमहंस व्यक्ति है, दोष को नहीं देखता, गुण को देखता है। और एक व्यक्ति है जो गुणों को नहीं देखता, सिर्फ दोष को देखता, सिर्फ दोष। ऐसा ही आप जैसा आदमी है, दोषान परेशान ही गुणेशु साधव गृणंती केचित न भवा दृश्य दिज, गुणांश फलगुण बहुली कृष्णवो महात्मास्तेषु अविद्वत भवानखम। आपका माफिक जो व्यक्ति है, शंकर गुण का खजाना है, इस गुण का अंदर में भी आप इतना दोष दर्शन किया, चलो हम एक ऐसा करें ये शरीर छोड़ देंगे, आपका साथ आपका जो नाम लेकर पुकारते हैं शंकर भगवान, शंकर जी स्वामी नाम को मिटा देंगे। ऐसा करके क्या की, कर्णो पिधायो
नरयात जदकल्प ईशे हैं धर्मा वितरयास श्रीनिभिर निभिर अस्वमाने छिंद्यात प्रसद्द रुषति मसताम प्रभुश्चित जीवभाम मसूनोपी ततो विसृज्यत स्वधर्म। देवी मैया ने ये बताई, ये सिद्धांतों का बात है। जो गुरु वैष्णव का विद्वेष करता है वो विद्वेषकारी का जीवा जो है वो खींच के काट देना चाहिए, काट देनी चाहिए। अगर कुछ नहीं बोल पाए तो उधर से चले जाना चाहिए, कान पकड़ के ऐसा, उसका निंदा सुननी नहीं चाहिए। कर्णो पिधाय निरया, और उसका जवान स्तंभन कर दे, बीच शक्ति है सामर्थ्य है तो उसका जवान को स्तंभन कर दो, बंद कर दो, ऐसा है। यही है वास्तविक धर्म। ये अगर नहीं कर सके तो उसका अंदर में क्या होगा, पतन हो जाएगा। जो गुरु वैष्णव का निंदा सुनते रहते हैं कुछ विचार नहीं करते, उसका अधः पतन हो जाता है। गुरु वैष्णव का जो निंदन है, निंदन सुनते रहो तो आपका साथ साथ पतन हो जाएगा। इस बारे में कल चर्चा करें। जो गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव का निंदा में जवाब देना ही भक्ति है, इसका बारे में कल प्रभुपाद का सब चर्चा करें। तो इसमें देवी मैया बैठ के योगासन में बैठी और बैठ के सारा शरीर में जो अग्नि है उसको इकट्ठा की और मूलाधार चक्र से धीरे धीरे अनाहत तो चक्र इधर करते करते उठा के जो ये जो ब्रह्म चक्र है इधर अग्नि प्रज्वलित हो गए और देवी मैया जलना शुरू कर, जल के उस जगह जल के पूरा शरीर जल के, हाँ ऐसा हुआ। इसके बाद जो है इसका खबर चला गया कहां, शंकर भगवान का उधर चला गया, ये देवी मैया का सॉरी छूट गई, ऐसा खबर गया। जाने का बार भूतनाथ जो है, भूतनाथ का इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध, तो क्या की अपना जटा को उखाड़ कर एकदम जमीन में फेंक दिया। फेंकना बाद उसका बाद वीरभद्र नाम का एक बड़ा उठा एकदम, इतना इतना था, और बोले उसको आदेश किए जा दक्ष यज्ञ को नाश करने जा। तो वो दक्ष यज्ञ को नाश करने के लिए सारा जित भूत प्रेत है सबको लेकर दौड़ते हुए उधर पहुंचा। अब जब पहुंचने का समय जो है, दूर से बड़ा भारी इतना धूली, आसमान में इतना धूली क्यों है, झंझावात नहीं है, कुछ नहीं है, इतना धूली, भृगु आदि ऋषि सोचते रह गए। अंतम में देखा राम राम एक ही आया, एकदम सब एकदम लड़ाई, और जो है ऐसा लड़ाई हुआ कि तमाम योग्यों का नाश करा दिया, पूरा भूत प्रेत लेकर ये जो तुम्हारा वीरभद्र जी सारे नाश की। उसके बाद जो है भृगु जी महाराज अपना मंत्रों के द्वारा अग्नि में आहुति दी, उसमें देवता का बहुत सारे देवता जो हैं वो देवता प्रकट हुए, और देवता प्रकट होके ये सब ये दोनों का साथ लड़ाई हुआ। यज्ञों में बहुत सारे अस्त्रों पकड़े हुए बहुत सारे देवता लोगों को प्रकट कर दिए। उस समय ये दोनों का साथ बड़ा लड़ाई हुआ, और होने के बाद दक्ष प्रजापति का जो मुंडा है उसको काट के आग में फेंक दिया, ऐसा करके, क्योंकि पहले से साफ था नंदिया का दक्ष जो है वो वस्त्र मुखो अर्थात छाक का मुंड हो जाए, इसका अभिशाप था, ये सच्चा हो गया। इसके बाद ये लड़ाई होने के बाद जो सारे यज्ञ जो है वो मिसमाट हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ, शंकर भगवान जो है, शंकर भगवान बहुत सारे कहानी है, सब भगवत में नहीं है। देवी मैया का जो शरीर है आधा जो जला हुआ उसको लेकर एकदम चलते चलते चारों ओर, और भगवान ने सोचे कि जब तक देवी का शरीर इधर रहे तो ये शांति नहीं है, तो चक्र देके देवी का शरीर काटते काटते
भारत भूमि में अलग अलग जाएगा, इसका टुकड़ा टुकड़ा होके पड़ा है। तो 51 पीठ हुआ। अब प्रश्न आता है कि देवी मैया जो ऐसा है, देवी मैया का ऐसा हालत, ये कैसे भाई? देवी मैया की बद्ध जीव है, देवी मैया को जो ऐसा हालत है, इसका पीछे भी पुराण में एक कारण है। वो क्या कारण है? बोले कारण ऐसा है, रामचंद्रो जब वनवास में थे, वनवास में थे ना, जब वनवास वनाचर उस समय देवी मैया ने किसी को बिना बताए इच्छा करके सीता देवी का रूप पकड़कर राम जी का सामने गए। जाने के बाद राम जी को परीक्षा करने के लिए, तो राम जी दूर से ही समझ गया, कहो मैया कैसे आनी आना पड़ा, समझ गया सीता का रूप बना, लेकिन है तो राम जी। राम जी पूरा बोले देव मैया कैसे आना पड़ा बोलो। तो देवी शर्म में आ गए, बोले बहुत लज्जित हुई। ये बात शंकर भगवान को पता चला, शंकर भगवान को पता चला कि ये सोती सावित्री है, फिर भी ऐसा क्यों किया, दिमाग खराब हो गया। तब से दाक्षायणी, ये जो देवी मैया को इधर बैठाया नहीं गोदी पे, हम जो विभूषित तो बाम भुजम बोल के जो स्तोत्रों में कहते हैं ना, तब से देवी मैया को इधर बाम भाग में बैठाया नहीं कभी तक। तो ये शरीर छूटना ही है कि जो पाप हुआ अपराध हुआ, ये शरीर छूटा है इसी बहाना को लेकर। इसके बाद फिर हिमालय का गोदी में फिर आविर्भाव हुआ, हिमालय कन्या होके आविर्भाव हुआ। उसका बात प्रसंग आता है बाद में। लेकिन ये शंकर भगवान का पास देवता लोग ब्रह्मा आदि सब प्रार्थना करने के लिए पहुंचे कि आप कृपा करके क्षमा कर दो, जो हुआ तो सो हुआ, आप क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने बोले देखो हमारा क्षमा करने का कोई आम दोष नहीं पकड़ते, हम किसी का दोष नहीं देखते, लेकिन ये जो शास्ति दिया दक्ष को, ये प्रभु जो जगत का ये नियम है, अगर शास्ति ना दिया जाए तो इसका कोई शिक्षा नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको शिक्षा देने के लिए ही ये शास्ति दिया, शिक्षा देने के लिए शास्ति दिया। वास्तव में हम किसी का ये तो बच्चा है, इसका क्या दोष देखे, दोष देखते नहीं। देवता लोग प्रार्थना करने का बाद शंकर भगवान ने आशीर्वाद की, बोले चलो जिसका जो नुकसान हुआ, भिगु का नुकसान हुआ, फिर दूसरे जो भगो है उसका नुकसान हुआ, बहुत सारे सब नुकसान हुआ, एक 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 अंग प्रत्यंग जो है वो विनष्ट हो गया। और दक्षों का जो तो वो तो गर्दन ये जो गला काट के आग में दे दिया, तो शंकर भगवान कीपा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, किसी छाक का मुंड लाके दक्षों का जो धर है शरीर जो है उसमें लगा दिया गया, उसके बाद उसका छागमुख हो गया। छागमुख होने के बाद दक्ष प्रजापति स्तुति शुरू किया, ऐसा करके शंकर भगवान को, शंकर भगवान का स्तुति शुरू कर दिया। कौन? दक्ष प्रजापति छागमुंड हो गया, और भिगु आदि ये जो चूल फूल सब खींचा, किसी का आंखें उखड़ गया, बहुत सारे दांत किसी का पूरा 32 दांत जो है 32 पाड़ी सारे, ऐसा लड़ाई हुआ उसमें ऐसा हुआ। तो सब आशीर्वाद के द्वारा सारे शंकर भगवान का इस यज्ञों का पुनः प्रतिष्ठा हुआ, और उसमें शंकर भगवान का भाग आया। उसके बाद ये जो प्रसंग आता है कि प्रजापति दक्ष इन्होंने शंकर भगवान का स्तप किया, शंकर भगवान का स्तप किया, लेकिन शास्त्रकारों ने विचार करके बताया स्तप तो किया, लेकिन अंदर में ऐसा एक जगह था जहां शंकर भगवान के लिए थोड़ा बहुत, मैंने बाहर में स्तुति किया लेकिन अंतर में थोड़ा बहुत काला था, थोड़ा बहुत, इसीलिए इसको आगे चल के प्रचेतस दक्ष का नाम पे फिर आविर्भाव लेना पड़ा, शरीर को छोड़ दिया था, ये शरीर छोड़कर फिर प्रचेतस दुखों का नाम लेकर
इसका आविर्भाव हुआ था प्रचेतस दुख को। और ये अपराध करने का जो जो इसका जो स्वभाव है, ये उस समय में नारद जी को भी अभिशाप दिया। प्रचेतस दुख बन के जो आया प्रचेता, जिनका लड़का प्रचेता, ये प्रचेतस दुख जो है, ये प्रचेतस दुख जो है, ये तो स्तुति किया इधर, लेकिन वो जन्म लेना पड़ा फिर। क्यों बोले, स्तुति तो किया था लेकिन हृदय में थोड़ा बहुत काला दाग था शंकर का लिए थोड़ा, इसलिए फिर जन्म लेना पड़ा। उस समय भी नारद जी को अभिशाप दिया था, तुम मेरा सारे संतान को निवृत्ति मार्ग में भेज देते हो, अभिशाप दिया, तुम एक जगह 3 दिन नहीं रह सकोगे। ये अभिशाप दिया किसको? नारद जी को। नारद जी को ऐसा अभिशाप दिया कि 3 दिन का अधिक किसी एक जगह पे रह नहीं सकेगा, इसलिए नारद जी घूमते रहते हैं। ऐसा करके यज्ञ समापन हुआ पहले, उसके बाद देवता लोग भी बड़ा भारी स्तुति की। स्तुति करने का बाद जो है, इसका बाद इधर होता है उसी, ये मनु का जो वंशधर है उसी में आगे चलकर, यहां जो मनु का पुत्र, अभी तो लड़की का बारे में बताया किसको कौन कौन लड़की को किसका साथ शादी दिया, सब प्रसंग आया पहला लड़की को, दूसरा लड़की को, तीसरा लड़की किसका किस शादी कराया, इसका सब प्रसंग है। उसका खानदान का विषय में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। उसका बाद प्रिय व्रत उत्तान पादौ सतो रूपा पते सुतो वासुदेव वचन वासुदेव कलह वासुदेव कला रक्षायम जगत स्थितो। मनु और सतोरिपा जो है, मनु और सतोरिपा प्रिय व्रत उत्तान पाद, दो पुत्र का जन्म हुआ, वासुदेव अंश में अवतीर्ण हुआ, जगत का पालन पोषण के लिए आविर्भाव हुआ। ये विष्णु का अंश था, वासुदेव अंश अवतीर्ण हुआ था जगत पालन के लिए। और ये जो प्रिय व्रत का बाद 5वां स्कंद में आएगा, और ये जो उत्तान पाद का प्रसंग अभी है, अजाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस तयो सुरुचि प्रेयसी पत्तुर नेत्वरा जत सुतो ध्रुवः। उत्तान पाद का दो पत्नी, एक है सुनीति और सुरुचि, और सुरुचि प्रेयसी माने दो पत्नी तो है ही है, लेकिन दो पत्नी में ये जो छोटा पत्नी है उसका ऊपर इसका बड़ा भारी प्रीतिजा, ये उचित नहीं है, समान दूरदर्शन होना चाहिए। ये एक ही स्वामी का दो पत्नी है समदर्शन, लेकिन राजा का बुद्धि ऐसा कि छोटा जो सुरुचि जो है प्रेयसी पत्तुर नेत्रा यत सुतो ध्रुवः, ये जो है ध्रुवो किसका लड़का है? सुनीति जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचि है सुरुचि भले जाए उत्तान पादस्य सुनीति ही सुरुचि तयो तयो तय माने वो दोनों में एक तो है सुनीति बताया, अब बात है सुरुचि। सुरुचि जो है वो पति देवता का बड़ा बड़ा अच्छा नजर में, और बाकी जो जिसका लड़का है ये जो सुनीति का लड़का ध्रुव महाराज, इसका ऊपर इसका कोई नजर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखते, नजर नहीं देते। ये जो अपना पत्नी है इसका ऊपर कोई नजर ही नहीं है। एक दफे एकोदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षत वचन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजा अभ्यनंदत। एक दफे ये सुरुचे पुत्र बोले, ये जो है आपका वो उत्तम को गोदी में लेकर राजा प्यार कर रहा, उत्तम को गोदी में बैठा था, और लेकिन ये जो है हमारा आपका ध्रुव महाराज जो है, ध्रुव महाराज
पिता का गोदी में बैठना चाहे कि तो ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, लेकिन उसको गोदी में बैठने नहीं दिया गया, गाली दिया। माताजी ने बोला तेरे को अगर राजा मुझे पिताजी का गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ में तेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो तेरा सौभाग्य खुले तेरा ये गोदी में बैठे, नहीं तो हट। वैसे इतना अपमान किया, इतना अपमान किया, बच्चा तो है ही है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, इतना अपमान किया। वो दुख के मारे रोते रोते घर को गए, क्योंकि राजमहल में सुनीति का व्यवस्था नहीं है, ये सुरुचि उसको ही लेके राजा राजमहल में रहते, और उसको उसका लिए पूरा बगीचे में दूसरा जगह व्यवस्था के, तो उसको उसका लिए कोई प्यार ही नहीं, प्यार ही नहीं है बिल्कुल, जैसे नफरत है अलग सा। दुबो महाराज रोते रोते वो बगीचे वहां जा है वहां गया, जाके माता जी को सारे बात बताए। माता जी ने बोले कि दुखी मत हो, किसी का दोष नहीं दर्शन करना, देखो बेटा ये हम लोगों का सौभाग्य, हमारा भाग्य ही ऐसा है। माता जी ने बताई कि भाग्य ही हमारा ऐसा है कि राजन हमने कोई गलती नहीं किया तो राजन ऐसा देखता है, शायद कोई कारण जरूर हो पिछले जन्म का, नहीं तो ऐसा कैसे करे। ऐसा करके माता ने प्यार करके समझाया, बेटा ऐसा मत करो, किसी का दोष दर्शन ना करो, छोड़ दो। मां मंगलम तात परशु मांगस्ता भूंगते जनो यत परदुक्ष दत्त, मां मंगलम तातो परेशु मांगस्ता, दूसरे का दोष मत देखो बेटा। जो आदमी जो भोगते रहते हैं दुष्ट, जो अपना जो क्रिया कर्म का जो फल उसी को ही भोगते भोग करते रहते। मां मंगलम तातो परेशु मांगस्ता भूंगते जनो यत परदुक्ष दत्त, दूसरे को जो दुख आपने दिए हैं उसी का ही इसी जन्म में आपका उसी का ही रिटर्न मिल रहा है। जो कष्ट आपका जिंदगी में अभी मिल रहा है शायद आपने किसी को दुखाया होगा पहले, ये सोच के रहना और कष्ट नहीं देना। और देखो बेटा सारे समस्या का समाधान हो जाता, सारे समस्या का समाधान हो जाता, सारे समस्या का समाधान हो जाता अगर पद्म पलाश लोचन हरि का भजन करो। माता ने इतना बताया, तुम्हारा जिंदगी में जितना सारे समस्या है, जितना सारे जो कुछ भी है, सारे समस्या का टोटल सोल्यूशन हो जाएगा हरि का भजन करो, पद्म पलाश लोचन। ऐसा ही सिद्धांत है, जिंदगी में हमारा कोई भी मुसीबत आए कुछ भी हुए, डायरेक्ट ठाकुर जी का चरण में शरण में जाना ही एकमात्र सबसे अच्छा समाधान है। कोई भी समस्या आए, कोई भी समस्या आए संसारी आदमी का, डायरेक्ट ठाकुर जी के चरण में शरण में जाए तो ये सबसे बड़ा समाधान है, इससे बढ़कर समाधान और कुछ नहीं हो ही नहीं सकता। तो इतना ही बताया, देखो पद्म पलाश लोचन का भजन करे तो सारे समाधान हो सकता, इतना बताया माता जी। और बेटा ने पूछा, 5 साल का लड़का बच्चा है, बेटा ने पूछा मैया पद्म पलाश लोचन जो है, पद्म पलाश लोचन जो है वहां कहाँ रहते हैं, बच्चा ने पूछा 5 साल का बच्चा, ये पद्म पलाश लोचन के बारे में आप जो बताएं पद्म पलाश लोचन कहाँ रहता है। मैया बोला देखो वो तो जंगल में रहता है, ऐसा बच्चा है, बच्चा को क्या बताए, बच्चा को तो जंगल में रहता है तो उसका भजन करना बड़ा कठिन है, और करो तो ऐसा कोई अगर करे तो उसका सारी समस्या का यही समाधान है, बस बोल के सोया है माता जी, बच्चा भी सोया। कौन जाने बच्चा इतना तगड़ा है, उठ के चल दिए रात का समय, माँ को मैया को बिना बताए बच्चा उठ के जंगल का ओर चले गए, बस जंगल में जंगल को चले गए और जाके भजन के लिए पहुंच गए जंगल में। जंगल में भजन के लिए पहुंच गया, भजन तो जानता ही नहीं उतना अच्छा, तो सिर्फ इतना चिल्लाना शुरू कर दिया, पद्म पलाश लोचन तुम कहां हो, पद्म पलाश लोचन तुम कहां हो, हमने सुने हैं कि आप जंगल में हो, कहां हो, चारे ओर शेर है, भालू है, सांप है, बच्चा का कोई डर नहीं, ऐसा बुलाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी तन्मय हो गए, ठाकुर जी ने नारद जी को, नारद इधर आओ जल्दी, क्या हुआ, एक बच्चा है उत्तान पात का लड़का, उसका नाम ध्रुव है,
वो जंगल में चला गया जाके इतना भजन का चेष्टा करा, भजन तो होने वाला नहीं, क्योंकि जब गुरु ना मिले भजन कैसे हो। तुम एक काम करो, गुरु का काम करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाके उसको दिखा दे दो भजन कर रहे। हाँ पद्म बोला रोचन आप कहाँ है, आ जाओ, ऐसे करके बोला। ऐसे तो आएगा नहीं ठाकुर जी, तो ठाकुर जी जाओ ऐसा बोले, नारद जी को बोले आप गुरु का काम करो तो जाओ। तो जाके नारद जी आके ध्रुव के सामने पहुंचे और बोले ये उत्तनपाद का पुत्र ध्रुव, तुम तो बच्चा हो 5 साल का, बच्चा का लिए क्या मान, मान और सम्मान, मान अपमान जो है बच्चा के लिए क्या है, तो तुम खेल कूद करो कुछ भी करो, ये सब क्या दरकार है, जाओ घर में जाओ। नहीं हम जाए जाएंगे, तो क्या करोगे, भजन करें, भजन करें, ये जानते हो कितना जंगल है, इस जंगल में कितना सारे शेर है भालू है, खा लेगा वो, खाने दो, हम इधर ही रहेगा, जाएगा नहीं, जितना डर दिखाया घर को जाओ, गुस्सा मत छोड़, गुस्सा छोड़ दो, बच्चा का लिए क्या है उसमें, जाओ नहीं जाएंगे हम इधर भजन करें। तो नारद जी अंतिम में देखा तो बच्चा तो छोड़ेगा नहीं, इतना जिद्दी है, तो बाद में क्या क्या बोले, जाओ कालिंदी में नहा के आओ। और ध्रुव जो ध्रुव महाराज का जो स्थान है, ध्रुव महाराज का जिस स्थान में ध्रुव महाराज का जो स्थान है उसका नाम है मधुबन। ये मधुबन और इधर जमुना कहाँ है, आप बोलोगे ना जमुना कहाँ है। तो ध्रुव महाराज को नारद जी ने बोला जाओ कालिंदी में नहा के आओ। आने के बाद एक मंत्र का उपदेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का उपदेश देने के बाद ध्रुव महाराज ने भजन शुरू की। ध्रुव महाराज ने भजन शुरू की और नारद जी ने थोड़ा बहुत बताए। इसके बाद गुरु जी अर्थात नारद जी जाना शुरू कर दिया। बोले गुरु जी रुको, क्या है, बोले जो ठाकुर जी का मंत्र बताए वो देखने में कैसा है ये तो बताओ, क्योंकि ध्यान करे तो ध्यान में ध्येय वस्तु का तो कंसेप्शन आना चाहिए ना, तो कैसे हम चिंता करें। तो नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को पूरा ठाकुर जी देखने में कैसा है, नाखून से पैर कर नाखून से लेकर ऊपर तक ठाकुर पद्म बलास लोचन कैसा सुंदर है, इसका वर्णन किया। अब गुरु जी अब चले गए। गुरु जी जाने का बाद ध्रुव महाराज का तपस्या शुरू किए। ध्रुव महाराज तपस्या करते करते एक पैर जो है पैर का अंगुष्ठों में ऐसा खड़ा होके ऐसा करके भजन कर रहा है। पृथ्वी मैया का हालत खराब हो गई, हिलना शुरू कर दिया, इतना तपस्या है, बाप रे बाप, खाना पीना सारे छोड़ दिए, खाना पीना सारे बंद, बाप रे, सब पहले कोपित फल खाते थे बाद में सूखा पाता, उसके बाद वो भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वायु भक्षण करके भजन करते ऐसा शुरू किया। ये तपस्या का द्वारा देवलोक हिल गया, देवलोक आया स्वर्गलोक, तमाम जगत हिल गया, बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, तमाम जगत में सो में क्या हो रहा है ये सब, बाप रे बाप। तो उसके बाद क्या हुआ, ठाकुर जी ने क्या की, भले ठाकुर जी ने क्या किए, तपस्या के द्वारा संतुष्ट भय और संतुष्ट हुआ। तो ठाकुर जी कपास शिकायत कर, ये कैसे हो रहा है, ध्रुव महाराज का तपस्या के द्वारा सारे अव्यवस्था फैले हुए ऐसा हो रहा है। बोलो कुछ डर की बात नहीं, ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, देवता लोग त्राही त्राही चिल्लाना शुरू कर दिया, हम लोगों का सांस रोक रहे, हमारा सांस घुटता है, क्यों क्या बात है। बोले कुछ चिंता नहीं, ध्रुव महाराज ने हमको अंदर में रखकर निश्वास बंद कर दिया, श्वास रोध कर दिया और हमको अंदर में रखा, और हमारा अंदर में ही जगत है, इसीलिए तुम लोगों का सांस का कष्ट हो रहा है। देवता लोग बोले हमारा हम लोगों का सांस का कष्ट हो रहा है, अभी आप बचाओ। ठाकुर जी बोले आप जाओ, कोई चिंता नहीं, व्यवस्था हो जाएगा, हम जल्दी जाएंगे। फिर ठाकुर जी क्या की, ध्रुव महाराज जी को दर्शन करने के लिए आए। सारे तमाम शास्त्रों का विचार है, ठाकुर जी किसी का ऊपर प्रसन्न हुए तो ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज के लिए उल्टा है।
सबका लिए ऐसा है कि ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन भागवत में इधर विचार है, भागवत में इधर विचार है ध्रुव महाराज जी को दर्शन करने के लिए आए, उल्टा उल्टा है इधर। और जब दर्शन करने के लिए आए तो फिर ध्रुव महाराज का पता ही नहीं, ध्रुव ऐसा आके मुझको भजन कर रहा है, एक पैर पे खड़ा होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जप कर रहे, जबकि ठाकुर जी आ गया सामने, लेकिन ध्रुव महाराज का कोई होश नहीं, ध्रुव भजन करते अंतर में ठाकुर जी दर्शन हो रहा। ठाकुर जी सोचे ये अगर ये अंतर में तो हमारा दर्शन हो ही रहा, इसलिए आंखें नहीं खुल रहा, तो अंतर से ठाकुर जी क्या किए विचार की, इसका जो अंतर दर्शन है बंद कर दिए। ठाकुर जी अंतर में जो दर्शन हो रहा है ना, ध्रुव महाराज आंखें बंद कर दर्शन कर रहा है, ये दर्शन ठाकुर जी बंद कर दिए। जब ही बंद हो गया तो आंखें फाड़ के देखे ठाकुर जी कहां गया, अंतर में तो था, आंखें खोल के देखा अरे जिसका ध्यान अंदर में हो रहा था वही सामने खड़ा हुआ, ठाकुर जी आ गया। ठाकुर जी सामने आ गया ऐसा देख के, बच्चा है 5 साल का बच्चा, ऐसा ऐसा करके, अब क्या ये जो है 5 साल का बच्चा उसका शिक्षा भी ज्यादा नहीं है, वो क्या बोले कैसे क्या करे। तो ठाकुर जी ने सोचे कि ये 5 साल का बच्चा है, वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ स्तुति करना चाहता है, लेकिन आता नहीं 5 साल का बच्चा। ठाकुर जी ने क्या कि अपना जो शंख है, अपना हाथ में ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म है ना, वो जो शंख है ये बच्चा का कोपोल अर्थात एक इधर गाल में स्पर्श किया, करने का साथ साथ ही ध्रुव महाराज का जवान खुल गया, सरस्वती बैठ गया बैठ गई, और उसके बाद स्तुति करना शुरू कर दिया, इतना स्तुति किए बाप रे बाप, एक एक स्तुति विचार करो तो आज नहीं हो पाएगा, शायद काल हो पाएगा, समय हो गया आरती का टाइम। जो अंत प्रविश्य मम वाचमी माम प्रसुप्त्याम संजीवयति अखिल शक्तिधर सधामना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणोतगादीनो प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्याम, ऐसा करके यो अंतः प्रविश्य मम वाच मीमं प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणो तगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय भगवते पुरुषाय तुभ्याम। हे ठाकुर जो अंतर में आप प्रविष्ट होकर हमारा वाचन शक्ति बोलने का शक्ति को परिस्फुटित कर दिया आपने, जो अंत प्रविश मम वाच मीमम हमारा वाक शक्ति को परिस्फुट कर दिया, हमारा जितना सारे इंद्रिया हैं इसका शक्ति विधान कर दिया, अनंत जगत का जो आधार है ये जो है ठाकुर जी को स्तप किए, प्रसुप्त वाक कर चरण तक प्रभृति अन्य इंद्रिय सकल संजीवित कर दिया, आपसे यो परम पुरुष भगवान आपको हम नमस्कार विधान करे, आप कृपा करो मेरे को, ऐसा करके स्तुति की। अब आज यहां तक हो पाए श्लोक को बता के हम छोड़ेंगे। भक्ति मुहु प्रहोवताम तही में प्रसंग भूयाद अनंत महताम अमला सयानम जेनांजसोलवन मुरुव्यासनम भवाधीम निशे भगवद गुण कथा मृत पान मतो वांछा कल्पतरो कृपा सिंधु पतितानंग पावन वैष्णव्यो नमः।